आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। आज सीजीएल 2023 के एग्ज़ाम की डेट्स, टेंटेटिव डेट्स निकल गई हैं। जुलाई में ये एग्ज़ाम आपका 14 से 17, 27 के बीच में होगा। अभी टेंटेटिव डेट्स आई हैं, नोटिफिकेशन हो सकता हो हफ्ते 10 दिन में आपको मिल जाए। तो अभी तैयारी हम लोगों को बड़ी तेज़ी से शुरू करनी है, और आज हम लोग इस वीडियो में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के सारे सवाल सॉल्व करेंगे, टीयर वन के भी और टीएल टू के भी, जो पिछले एडिशन यानी कि 2022 में पूछे गए हैं। टोटल 60 सवाल हैं, है ना। इंट्रो थोड़ा सा मैं अगर दे दूं तो टीयर वन के क्वेश्चंस स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी तैयारी में। अगले किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, और चाहे सीपीए हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लेवल के लगे। खासकर कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए, जैसे कि पुलिस एंड थीफ के ऑलमोस्ट 10+ क्वेश्चंस पूछे गए, एवरेज स्पीड पे बेस्ड 10+ क्वेश्चंस पूछे गए, ट्रेन्स के ऊपर 6-7 क्वेश्चंस पूछे गए, और बाकी मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे करके करीब 40 क्वेश्चंस हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज़ के करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम के 6-7 क्वेश्चन पूछे गए, वो भी बड़े अच्छे लेवल के मुझे लगे, ठीक है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाया उनके क्वेश्चंस का। और रेस के खासकर सबसे बेस्ट क्वेश्चन अगर इस वीडियो की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 से लेके क्वेश्चन नंबर 56 के बीच आपको रेस के 9 क्वेश्चंस दिखेंगे, वो सबसे बेस्ट क्वेश्चंस हैं आज तक के रेस के जो पूछे गए हैं। उसमें एक क्वेश्चन मैंने देखा, क्वेश्चन नंबर 57 इस वीडियो का, वो अगर आप देखेंगे ना, तो ना उसका आपको नेट पे कहीं पे भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ना ही कोई रिटन सॉल्यूशन मिलेगा। वो क्वेश्चन किसी टीचर ने सॉल्व ही नहीं कराया है ना, और वो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, थोड़ा सा उसमें डाउट है सभी को, तो वो क्वेश्चन सभी ने स्किप करा दिया। पर इस वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और रेस के मैंने, क्योंकि मैं भी ढूंढ रहा था कि क्यों नहीं इसका कहीं कोई सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 57 का, तो वो देखते देखते मैंने रेस के भी बहुत सारे वीडियोस देखे 2022 के सॉल्यूशंस के। तो उसमें मैंने देखा कि रेस के खासकर जो सॉल्यूशंस बताए गए हैं, ठीक है, मैक्सिमम चैनल्स पे, वो आपको बहुत गलत वे में अप्रोच आपकी ले जाएंगे, आपको मिसलीड करेंगे अगर आप उन क्वेश्चन से कुछ सीखते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ये रेस के आपके सारे सॉल्यूशंस आपको जरूर देखने चाहिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। टीएल टू की बात करें तो 4 सवाल केवल पूछे गए, क्योंकि अब हम सभी जानते हैं कि टोटल मिला के 4 शिफ्ट में 120 क्वेश्चंस मैथ्स के थे, 30-30 क्वेश्चन एक शिफ्ट में थे, तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का डाला गया। और अनुमान ये लगाया जा रहा था कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेस के भी आ सकते हैं, क्योंकि टीयर वन में अच्छे लेवल पूछे गए, या इस टाइप के पुलिस थीफ के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बड़े सिंपल लेवल के क्वेश्चन हैं। तो वो भी आपको वीडियो के बीच में टीयर टू के क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगा ये चारों भी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा पुलिस थीफ के जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं वो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक जगह मैंने क्लब कर दिए हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, पुलिस ने एक चेन स्नैचर यानी कि चोर, मान लेते हैं एक चोर को देखा 500 मीटर की दूरी पे, तो ये जो दूरी होती है ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ये हमारी पुलिस की जीप है, हमारी इंडियन ऑथेंटिक पुलिस की जो जीप होती है जिस तरीके की, ये हमारा चोर है, लेके भाग रहा है। अब चेन स्नैचर ने देख लिया कि पुलिस भाई मेरे पीछे आ गई है, 500 मीटर की ही दूरी पे मुझे भागना चाहिए। ये भागने लगा 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और पुलिस इसे चेस करने लगी 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। हमसे ये पूछा जा रहा है, ये बताइए कि चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया जब उसको पुलिस ने पकड़ा। यानी कि ऐसा होगा, ये ज्यादा स्पीड से चल रही है तो धीरे 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 करके कहीं आगे जाके, मान लेते हैं इस पॉइंट पे जाके चोर को पुलिस पकड़ लेगी, तो हमें ये डिस्टेंस नापना है कि चोर ने इतनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्योंकि अभी हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट की है तो मैं पूरा बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, और दोनों मोशन में होते हैं, तो हम लोग रिलेटिव मोशन के फॉर्मूले लगाते हैं। रिलेटिव मोशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया इसमें नहीं है, बस केवल इसमें स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो स्पीड माइनस होगी, नेट स्पीड। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो स्पीड प्लस होगी। इतनी चीज आई होप आपको अभी क्लियर होगी। अब यहां पे देखिए सिचुएशन क्या है, चोर हमारा
उसी डायरेक्शन में आगे भाग रहा है और पुलिस भी उसे उसी डायरेक्शन से पीछे चेस करती जा रही है, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं। तो नेट स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, 15 - 5 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड नेट स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है, 500 मीटर। तो यहां से हमारा टाइम निकल जाएगा, कितने टाइम में पुलिस इस चोर को पकड़ लेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 50 सेकेंड में इस चोर को ये पुलिस पकड़ लेगी। अब क्योंकि जिस पॉइंट से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है वहां से ये चोर कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा ये निकालना है, तो टाइम हमें पता चल गया कि चोर इतनी देर में, इतनी देर इसने भागा, 50 सेकेंड भागा, पुलिस जब से चेस करना स्टार्ट की और इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा हमारा आंसर 250 मीटर। क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, डिस्टेंस 97 मीटर है इस बार। अगेन देखिए, अब मैं सिंपल मान लूंगा ये ए है ये बी है, आप एज्यूम कर सकते हैं कि पुलिस चेस कर रही है इस चोर को। दोनों की स्पीड दे दी, चोर की स्पीड हमेशा अमूमन कम ही रहेगी तभी पुलिस उसे पकड़ पाएगी, पुलिस की स्पीड 23 है। टाइम टेकन बाई पुलिस टू कैच द थीफ, इस बार देखिए बहुत आसान कर दिया आपके लिए। नेट स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन है, नेट स्पीड 2 हो गई, डिस्टेंस 97 हो गया और आंसर हमारा आ गया 48.5। ठीक है, ये होती है खूबसूरती। देखिए क्वेश्चन नंबर वन में अगर आपको 20% भी थोड़ी चीजें समझ में आई तो क्वेश्चन टू में अभी हो सकता हो आपको 50% चीजें समझ में आई। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट हो रहा है, क्वेश्चन वन में अगर आपको 2 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5-6 पे बढ़ेंगे तो आपको जो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एक स्टूडेंट को क्वेश्चन करना चाहिए वो आ जाएगा। ये किसी भी चैप्टर के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए, तो आपको कभी भी घबराना नहीं है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है और हमेशा डिसिप्लिन रहना है कि मुझे नहीं आ रहा, चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर नहीं आया, चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। करते करते उस कॉन्सेप्ट के 10-12 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो स्टूडेंट को बस वो कॉन्सेप्ट फिर रिवीजन या प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगा और एग्जाम में वो क्वेश्चन 110% सही करके आएगा। सारे टॉपर्स आप लोगों में से ही होके आते हैं तो ये बात कभी भी नहीं सोचनी चाहिए यार मुझसे नहीं हो पाएगा ये चीज़, या मेरे लिए ये चीज़ टफ है। देखिए अब एग्जैक्ट टाइम पे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यानी कि 8:15 बजे चोरी हुई और थीफ जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागने लगा। पुलिस को 8:30 बजे पता चला और पुलिस को 9 बजे तक उस चोर को पकड़ना है। 8:30 बजे पुलिस को पता चला और 9 बजे तक चोर को पकड़ना है। इसमें थोड़ी सी चीजें हम लोग ऐड करेंगे पिछले 2 क्वेश्चंस के अलावा। मिनिमम स्पीड हमें, मतलब कि पुलिस की क्या स्पीड होनी चाहिए कि वो एग्जैक्ट 9 बजे उस थीफ को पकड़ ले। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, दोनों का टाइम हमें सेम करना है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का टाइम हमें सेम करना है। एक ऑब्जेक्ट तो हमारा 8:15 बजे ही भाग गया और दूसरा ऑब्जेक्ट शुरू कर रहा है 8:30 बजे, तो जो लेट टाइम होता है हमें इसको भी उसी टाइम पे लाना है। यानी कि हमें ये देखना है कि 8:30 बजे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 8:30 बजे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। यानी कि 15 मिनट का हमें कैलकुलेशन करना है कि चोर ने कितना डिस्टेंस भागा, 15 मिनट के लिए चोर कितना डिस्टेंस भागा। तो यानी कि 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर भाग रहा है, 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर भाग रहा है, स्पीड 60 है, इनटू टाइम कर दें 15 बाई 60, घंटे में कन्वर्ट कर लिया तो 15 मिनट में 15 किलोमीटर भागेगा। ये इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस हो गया। रिलेटिव स्पीड इन दोनों के बीच की हमें नहीं पता, पुलिस की स्पीड एक्स ले ली हमने इस बार, इसकी स्पीड है 60, ये हमें गिवेन है। और पकड़ना यहाँ से कितने टाइम में, इन्हें पकड़ना कितने टाइम में है, 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटा। ठीक है, यहां से मैं ये बोल सकता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड रिलेटिव होगी x-60 और पुलिस की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी क्योंकि वो थीप को पकड़ेगी, इसीलिए x-60 मैंने लिखा है ना कि 60-x, और टाइम हो जाएगा हाफ। यहां से सॉल्व कर देंगे, पुलिस की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 90। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ए जो है एक पॉइंट पे स्टार्ट करता है, ये देखिए थीफ और पुलिस का इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है चोर और पुलिस का, पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेम है कि ए जो है एक पॉइंट से 34 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से बढ़ता है और 5 सेकेंड बाद उसी पॉइंट से बी भी उसको पकड़ने के लिए भागने लगता है।
44 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या इस 5 सेकेंड की दूरी को हम लोग को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ए कहाँ तक पहुंच गया इस 5 सेकेंड में, तो इंटू 5 कर दीजिए, स्पीड इंटू टाइम, 170 मीटर की दूरी तय कर ली। तो अब मैं नया डायग्राम अगर बनाऊं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ये ए है ये बी है, अब इसने शुरू किया है 5 सेकेंड बाद, जब तक इनकी रिलेटिव डिस्टेंस या दूरी कितनी होगी, 170 मीटर डिस्टेंस हमारे पास आ गया। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये 44 की स्पीड से, ये 34 की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई सेम डायरेक्शन है तो 10, तो 170 अपॉन 10, 17 सेकेंड में ये इसे कैच करेगा। हमसे क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस कितना बी को ट्रैवल करना पड़ा ए को पकड़ने से पहले, तो 17 सेकेंड में बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्पीड इंटू टाइम, बी की स्पीड इंटू टाइम 17 सेकेंड। यहाँ से यूनिट डिजिट से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, 7 चौके 28 होता है, 8 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिया लास्ट डिजिट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा 748 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, 450 मीटर की दूरी से पुलिस ने चोर को देख लिया। क्वेश्चन अच्छा है ये वाला, दोनों की स्पीड इस बार फिक्स नहीं दी, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, ये मैं बताता हूँ, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग से। चोर की स्पीड तो है 7x और पुलिस की स्पीड है 8x, ठीक है, x के टर्म्स में मैंने स्पीड ले ली। आफ्टर रनिंग हाउ मच डिस्टेंस के अंदर पुलिस कैच द थीफ, यानी कि हमें ये देखना है कि पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया चोर को पकड़ने के पहले, चोर को पकड़ने के पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि हमें 8:7 पुलिस और चोर की स्पीड दी है, अब आप कहेंगे ये हम कैसे अज्यूम करेंगे कि इसे 8:7 लेना है, 80:70 लेना है, मतलब ये रेशियो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ये आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी रेशियो ले सकते हैं। जैसे कि क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बड़ा है थोड़ा, 450 मीटर है, मैं 80 और 70 को लेके चलता हूँ, 80 और 70 को लेके चलता हूँ, तो इसकी स्पीड मैंने मान ली 80, इसकी स्पीड मान ली 70। कितने समय में पुलिस इसको पकड़ेगी, सेम वही चीज, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड 10, 45 सेकेंड में पकड़ेगी, 45 सेकेंड में पकड़ेगी, और 45 × 80, 45 × 80, मैं यहां पे मान रहा हूं ये मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ये भी मेरा मीटर में है, ये भी मीटर पर सेकेंड हो जाए, ठीक है। इतनी स्पीड इन लोगों ने चली, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया पुलिस ने इतने टाइम में, 40, 3600 मीटर डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, 3.6 किलोमीटर आएगा। अब आप कहेंगे कि 80 और 70 लिया, अगर 8 और 7 लेते फिर क्या आंसर आता, तो वो भी करके दिखा लेते हैं, डाउट नहीं रहना चाहिए। मान लेते हैं पुलिस की स्पीड मैंने 8 ले ली, इसकी स्पीड 7 ले ली, डिस्टेंस 450 है, अगेन मीटर पर सेकेंड में सारा खेल कर रहे हैं हम लोग। अगेन देखिए दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी है इस बार, 1, यानी कि 450 सेकेंड के बाद पुलिस उसे पकड़ेगी। अगेन आप करेंगे तो सेम आंसर आएगा, 450 × 8 करेंगे, 3600 मीटर पुलिस को चलना पड़ा, डिवाइड बाई 1000 करेंगे, 3.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इस तरीके से दी होती है कि यहाँ पे टाइम भी स्पीड के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है, जिस हिसाब से आप स्पीड को एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इन ओवरऑल आपका डिस्टेंस हमेशा सेम आए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस बार चोर पुलिस की जगह कुत्ते और बिल्ली को दे दिया गया। एक बिल्ली को सुंदर सी देखा किसी कुत्ते ने और वो उसे चेस करना शुरू कर दिया। 280 मीटर की दोनों के बीच दूरी है, बिल्ली जो है 10 की स्पीड से दौड़ रही थी, कुत्ता जो है 24 की स्पीड से उसे चेस कर रहा था। कितने टाइम में वो उसे पकड़ेगा, कितने टाइम में वो उसे पकड़ेगा, क्योंकि स्पीड इस बार हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो हम इस चीज को भी किलोमीटर में ले लेंगे, 0.28 किलोमीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड, टाइम यही हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 0.02, ये आवर्स में आएगा यूनिट, और हमें यहाँ पे मिनट्स में ऑप्शन दिया है, तो आर को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ए बी को चेस कर रहा है, ए जो है बी को चेस कर रहा है, ए ने 8 जंप लगाई,
और बी ने 6 जंप लगाई, ए ने 8 जंप लगाई। जंप यहाँ पे कुछ बच्चे इससे थोड़ा सा डर जाएंगे, पर जंप क्या है, मान लीजिए ए की स्पीड इस टर्म्स में दी है, जंप के टर्म्स में। कभी कभी स्पीड हमें किलोमीटर प्रति घंटे पे दी रहती है, कभी मीटर पर सेकेंड, इस बार हमें जंप दे दिया, ठीक है, जंप 8 टाइम्स। और डिस्टेंस दिया हुआ है कि ए जितना डिस्टेंस 7 जंप में कवर करता है, उतना ही डिस्टेंस बी 5 जंप में कवर कर लेता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि बी की स्पीड फास्ट है, बी 5 ही जंप में ए के 7 जंप के बराबर डिस्टेंस कवर कर लेता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात आपको समझ में आ रही है? तो मैं ये बोल सकता हूं दोनों फैक्टर हमें कंसिडर करने हैं। यहां पे ये चीज दी है सेम टाइम में, ए तो 8 बार जंप कर रहा है मगर वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, और बी जो है 6 ही बार जंप कर पा रहा है मगर बड़ा बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये समझ रहे हैं? ठीक है, तो उतने ही टाइम में अगर ये 8 टाइम जंप कर रहा है और ये 6 टाइम जंप कर रहा है, और एक में हम ये फैक्टर अगर इंक्लूड कर लें, क्योंकि ए की स्पीड कम है, तो डिवाइड इंटू 5/7 कर लें हम, ये आ जाएगा 40/7, और रेशियो बना लें 40:42, 20:21, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फिर से चोर भाई साहब आ गए, और इस बार टाइम डेफिनेट टाइम दिया हुआ है, 12:30 बजे इन्होंने चोरी की बाइक की और उसे उड़ा ले गए 48 की रफ्तार से। 48 की रफ्तार से ये इसे लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। आधे घंटे बाद पुलिस को पता चल गया, है ना, और ओनर उसे, ठीक है, पुलिस को तो उसने बुलाया नहीं, वो खुद ही भाग लिया 58 की स्पीड से दूसरी बाइक से। कब पकड़ा जाएगा? तो आधे घंटे में पहले हमें ये देखना है कि इसने कवर कितना किया। 1 घंटे में 48 कर रहा है, तो आधे घंटे में 24 करेगा, आधे घंटे में 24 करेगा। 24 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड 10 की है, 2.4 आवर्स में उसे पकड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे टाइम या ऑप्शन अगर आप देख रहे हो, तो इसमें मिनट्स का भी रोल आ रहा है, एग्जैक्ट मिनट्स भी हमें चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाई 60 कर लूंगा, 24 × 6 आ गया, यानी कि 144 मिनट बाद वो उसे पकड़ेगा। कब से लेके, 12:30 बजे तो उसने चोरी की थी, मगर 1 बजे से ये सारी एक्टिविटी शुरू हुई है। ठीक है, मैंने बताया हुआ है हमेशा हम लोग लास्ट टाइम लेंगे जहां से दोनों चलना शुरू कर दिए, तो 1 बजे के बाद 144 मिनट, यानी कि 2 घंटे, 2 घंटे 24 मिनट, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट, मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ ऑप्शन गलत टिक हो गया, ये सही उत्तर होगा 3:24 दोपहर के टाइम पे वो उस चोर को पकड़ ले। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। थीफ की स्पीड इस बार दी नहीं हुई है, ये एक्स की स्पीड से चले जा रहा है चोरी करने के बाद, और पुलिस की स्पीड 10 दी हुई है, दोनों के बीच में दूरी दी हुई है 100 मीटर की, 100 मीटर की, और 3 मिनट बाद उसे पुलिस पकड़ ले रही है। यानी कि 3 मिनट को मैं क्या बोल सकता हूँ, 3/60 आवर्स, इसे मैं बोल सकता हूँ 0.1 किलोमीटर्स। ठीक है, यूनिट हमेशा सेम रखनी है, ये गलतियाँ बहुत बार पेपर में हड़बड़ी में हो जाती हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, खासकर इस चैप्टर में यूनिट्स में गलतियाँ आपको नहीं करनी है, पूरा क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाएगा। किस स्पीड पे थीफ दौड़ रहा था, हमें सारी कंडीशन दे दी। टाइम कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड 10 - x आएगी, और टाइम हमें दिया हुआ है 1/20, 2 = 10 - x, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 40 मीटर की दूरी पे पुलिस ने चोर को पकड़ा, और दोनों सेम डायरेक्शन में भागने लगे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में भागने लगे। थीफ की स्पीड थी 10 मीटर प्रति सेकेंड, और इसकी स्पीड थी 12 मीटर प्रति सेकेंड। फिर से वही चीज़ है, पहले टाइम निकाल लेंगे, 40 अपॉन, दोनों में डिफरेंस 2, 20 सेकेंड में पुलिस उसे पकड़ लेगी, और हमसे बोल रहा है पुलिस कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 20 सेकेंड में 12 की स्पीड से पुलिस कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 240। ठीक है, अभी देखिए 10 क्वेश्चन आपके पुलिस और थीफ कॉन्सेप्ट पे या चेजिंग के कॉन्सेप्ट पे करा दिए गए हैं, और आई होप अभी क्वेश्चन 1 में जो बच्चे अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं वो वीडियो देखना,
क्वेश्चन 1 में उनको जितने मन में सवाल जवाब आ रहे थे, क्वेश्चन 10 पे आते आते ऑलमोस्ट सारे जवाब क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा अभी भी कुछ डाउट्स बच रहे हैं तो वो केवल और केवल आपको सेल्फ प्रैक्टिस से क्लियर हो पाएंगे। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा बच्चों से कि देखिए हमारा काम है कि आपको सही तरीके से हर सॉल्यूशन बताना, पर आपका काम है उसे अप्लाई करना, उसे प्रैक्टिस करना, उसे बार बार रिवाइज करना। उसके बिना कोई भी बच्चा आज तक आपने नहीं सुना होगा कि एग्जाम क्लियर किया है। तो ये बड़ा ही बहुमूल्य नियम है, बड़ा बेसिक नियम है कि आपको प्रैक्टिस तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अब हम लोग एवरेज स्पीड के बड़े सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक ट्रेन जो है वो 18 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 5 मिनट तक चली, फिर 7.5 किलोमीटर इसने कवर किया अगले 10 मिनट में, और 12 किलोमीटर इसने कवर किया अगले 10 मिनट में। एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड का मैं आपको बहुमूल्य नियम एक बताने जा रहा हूं, इसकी गांठ बांध लीजिएगा। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आपको आज से 50 साल बाद भी अगर सीजीएल का पेपर होगा, मैथ्स का पेपर होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो इस चैप्टर में आपको जरूर मिलेगा। एवरेज स्पीड कभी भी आपके एग्जाम के पेपर से ये कॉन्सेप्ट जाएगा नहीं, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द क्वेश्चन डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द क्वेश्चन डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, ये होगा आपका एवरेज स्पीड। यहां पे हमसे तीन भाग में इस क्वेश्चन को बांट दिया गया है। तो ये चीज हमें पता चल गई, डिस्टेंस हमें पूरा पता होना चाहिए। यहां पे सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस दिया है 7.5 किलोमीटर, थर्ड पार्ट में दिया है 12 किलोमीटर, फर्स्ट पार्ट में हमें स्पीड और टाइम दिए, तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 18 × 5 × 60 कर देंगे ताकि ये सेकेंड में आ जाए। 300 × 18 5400, और डिवाइड बाई अगर मैं 1000 कर दूं तो मुझे ये किलोमीटर में मिल जाएगा। तीनों सेम यूनिट में मिल गए। ये बात समझ में आई आपके? ठीक है, अब नेक्स्ट चीज करते हैं। हमें टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम हमें फर्स्ट इंस्टेंस में, सेकेंड इंस्टेंस में और थर्ड इंस्टेंस में, तीनों में टोटल टाइम दिया है, तो तीनों को ऐड कर देंगे 5, 10, 15 और 10, 25। और क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में सारा काम हो रहा है तो 25 / 60 करेंगे, तो टोटल टाइम कितना आ गया? 5/12 घंटे। यहां से हम लोग अपना एवरेज स्पीड निकाल देंगे। 12 और 7.5, 19.5, 24.5 और 0.4, 24.9 अपॉन 5/12, यानी कि 12 ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से कुछ हमारा सवाल होगा, और मैं कोशिश करता हूं कभी भी नीचे 5 आए ना, × 2 × 2 दोनों कर दीजिए ताकि आराम से नीचे हमारा 10 रहे, और जो मेहनत है हमें ऊपर के भाग में ही करनी रहे, फिर से 5 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 12 से कर लेते हैं। ये आया पॉइंट, 10 की कैरी 58, 29 इंटू 2 अगेन 16, 17, 19, 5/10। इजिली आ गया आपका आंसर 59.76। ये जो लास्ट पार्ट है ना कैलकुलेशन का, ये किसी भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, अर्थमेटिक मैथ्स का, SICI हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन, ये जितने भी चैप्टर्स हैं, पार्टनरशिप हो गया, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे बॉडी की अगर बात करें तो मैं मानता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे लिए आंखें, ठीक है। सबके लिए अपनी अलग अलग चीजें होती हैं, तो ऐसे ही ये एक क्वेश्चन की सोल है, इसका एसेंस है कि कैलकुलेशन में आपको बहुत तेज होना है। आजकल क्वेश्चन इस तरीके से बनने लगे हैं कि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं, मगर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा यूज की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अगेन देखिए, एवरेज स्पीड के अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं और अनगिनत भाषाओं में, अनगिनत टाइप्स में बन सकते हैं। हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। 2/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस वॉज कवर्ड, मतलब हमें डिस्टेंस नहीं दिया, बस 2/3 दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया। तो एक बार को मैं इसे ऐसे ही लिख देता हूं, 2/3 स्पीड दे दी हमें 45। सेकेंड चीज, 1/4 डिस्टेंस, 1/4 डिस्टेंस इसकी स्पीड दे दी 60, और रेस्ट। अब देखिए फ्रैक्शन में कभी चीज होती है, फ्रैक्शन में अभी मैं इसको परसेंटेज में करूं तो ये आ जाएगा 66, 2/3%, 1/4 को करूं 25%। अगर परसेंट चीज में यही चीज दी होती क्वेश्चन, तो मैं माइनस क्या करता रेस्ट के लिए, 100 - 66, 2/3 + 25,
इसी तरीके से फ्रैक्शन में दिए तो मैं करूंगा 1 - 2/3 + 1/4, ताकि हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस या भाग निकल के आए। यहाँ से देख रहे हैं अगर आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 - 11/12, यानी कि 1/12 फ्रैक्शन। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो अब मैं वापस से सारी चीजें लिखता हूँ। 2/3, 1/4, 1/12। स्पीड सबके केस में हमें दे दी 45, 60, 75। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन में लंबा है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मैंने बताया एवरेज स्पीड आपको एक ही फॉर्मूले से निकलेगी, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो डिस्टेंस को आप एज्यूम कर लीजिए क्योंकि फ्रैक्शन में दिया है, एज्यूम करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, तो एलसीएम 12 ही आ रहा है, और हम डिस्टेंस 12 भी मान सकते हैं, पर मैं ऐसे केसेस में डिस्टेंस हमेशा 1 मान लेता हूँ। ठीक है, टोटल 1 किलोमीटर डिस्टेंस था ताकि मुझे कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन यहाँ पे ना करनी पड़े, और मैंने यहाँ पे डायरेक्टली टोटल डिस्टेंस 1 कर दिया। अब मुझे टोटल टाइम देखना है, तो इंडिविजुअल टाइम हमें हर केस में निकालना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि डिस्टेंस 1 / स्पीड 1, डिस्टेंस 2 / स्पीड 2, डिस्टेंस 3 / स्पीड 3। तो डिस्टेंस 1 / स्पीड 1, यानी कि ये 3 × 45 आ जाएगा, प्लस 1 / 60 × 4, प्लस 1 / 12 × 75। ये पार्ट मैं बात कर रहा था, बाकी सब अभी तक इजी था, ये पार्ट आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। और अगर आप एलसीएम ले लेते तो भी आपको ये सारे तो इस तरीके से थोड़े कम मिलते, पर फिर भी आपको कैलकुलेशन इतनी ही करनी पड़ती। यहां पे आपको इसे तोड़ना पड़ेगा फैक्टर्स में, तब आप इसको थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि मैं 3 45 को 9 × 5 में तोड़ देता हूँ, ऐसे ही मैं 60 × 4 को कैसे तोड़ सकता हूँ। देखिए 15 तीनों में कॉमन आ रहा है, मुझे दिख रहा है, तो मैं 15 को 15 की तरह ही लेता हूँ, 15 × 3 × 3, ये हो गया पहला वाला डिनोमिनेटर। दूसरा डिनोमिनेटर 15 × 4 × 4, और लास्ट वाला डिनोमिनेटर 15 × 5 × 12, ये कॉमन है। ठीक है, कभी भी एलसीएम हम लोग लेते हैं तो जो कॉमन है वो तो रहेगा ही। उसके अलावा देख लेते हैं और कोई चीज़ कॉमन हो। अगर यहाँ पे देखिए 4 × 3 आ रहा है, ठीक है, तो 4 की ज़्यादा 2 पावर यहाँ पे है ही है, 16, और यहाँ पे 2 पावर है ही 9, तो इस 12 को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और एक ये 5, ये भी हमें कंसिडर करना है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, कौन से फैक्टर्स यहाँ मिसिंग है। ठीक है, मैं बड़े ध्यान से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी पड़ेगी। और अगर ये चीज़ें फिर भी ना समझ में आए तो आप सिंपली इसका एलसीएम लेके, और जिस तरीके से आप बचपन से करते आ रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। जिसमें आपको क्वेश्चन का सवाल जल्द टाइम में जल्द से जल्द आप कर पाए आप वैसे कीजिए। ठीक है, मुझे जो समझ में आ रहा है सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहले वाले के फैक्टर थे 15 × 3 × 3, यानी कि ये फैक्टर था और ये फैक्टर था, तो यानी कि इन दोनों बचे फैक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो 15 × 16 था, 9 × 5 45 आएगा, और तीसरे वाले में अगर हम देखें तो 15 × 5 ये तो है ही है, 15 × 5 ये तो है ही है, और अगर इसकी बात करें तो इसमें 1 3 है और इसमें 1 4 है, तो 4 × 3 = 12 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। बस ये कैलकुलेशन पार्ट इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 160 + 45 + 12, और नीचे वाले को कैलकुलेट करेंगे अगर हम, 16 × 9 = 144 × 5, तो मैं कह सकता हूँ 144 × 10/2 कर सकते हैं हम इसे, 4440/2, यानी कि 720 × 15, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 10,800, और ये चीज़ उठ के ऊपर चली जाएगी 10,800। अब ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, बहुत सारा समय मैंने इस क्वेश्चन में लगाया आपको केवल कैलकुलेशन समझाने में, क्योंकि आपको वीडियोस में कैलकुलेशन पे जोर कोई नहीं दे पाता है, और कैलकुलेशन ही आपका मेन अंग है इस टाइप के क्वेश्चन में। बड़े क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन एग्जाम में कैलकुलेशन बेस्ड मिलेंगे, जिसमें अगर आपने सही से कैलकुलेशन में समय नहीं दिया तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम उस क्वेश्चन को ख़त्म करने में लगेगा। ठीक है, अब ये 10,800 / 217 ये आपको मिल गया है। यहाँ से कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ,
आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो यह आंसर आपका आ जाएगा 49.77। और अगर यहां से देखिए, अगर आप यहां पे भी देखिए कि कैसे मैं जल्दी कर सकता हूं, मैं सारी चीज हटाता हूं, 10,800 डिवाइड बाई 217, यहां पे आप ध्यान से देखें तो 108 का डबल 216 होता है। अगर ये चीज होती यहां पे तो मेरा आंसर क्या आ जाता, 50 स्पीड आ जाती, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। बट क्योंकि डिनोमिनेटर 216 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्या ये वैल्यू 50 किलोमीटर से थोड़ी सी कम आएगी, यानी कि 49 से 50 के बीच हो सकती है। तो ऑप्शंस आपको देखना है, अगर यहाँ पे दो ऑप्शंस होते ऐसे 48.9 या 49.2, कुछ इस टाइप के भी ऑप्शंस इसके साथ दिए होते तो आपको एक्यूरेट सॉल्व करना ही पड़ता, पर क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दो ऑप्शन तो 50 से ज्यादा दिए हैं तो ये हो नहीं सकते, और ये ऑप्शन काफी कम दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू काफी ज्यादा क्लोज है, ठीक है, बड़ा नंबर है और काफी ज्यादा क्लोज है, तो यहां से हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं और ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, एलजेब्रा थोड़ा सा इसमें घुसा दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, टाइम दिया है और स्पीड पूछ रहा है, तो डिस्टेंस है 125y³ - 1/5y - 1। a³ - b³ का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए, a - b, a² + b² + ab। अब हमें देख लेना है ए और बी की जगह क्या रखना है, तो ये हम बोल सकते हैं 5y³ है और ये 1 का होल क्यूब है, ए की वैल्यू 5y, बी की वैल्यू 1, 5y - 1, 25y² + 1 + 5y, ये दोनों कट जाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखिए एवरेज स्पीड में मैंने आपको फॉर्मूला सारा बता दिया, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं ये बता दिया, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम दे दिया। अब मैं हम कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी बताने को, जिससे आपको भी इंटरेस्ट थोड़ा सा बना रहे, है ना, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। 40% डिस्टेंस जो है 40 किलोमीटर, अब देखिए ये मैंने फ्रैक्शन में क्वेश्चन सॉल्व किया, यही क्वेश्चन परसेंटेज में पूछ लिया, तो मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा, यहाँ पे 40 रख दिया, यहाँ 50 रख दिया और यहाँ रिमेनिंग 10 रख दिया, ये डिस्टेंस ही मान लिया मैंने एज इट इज। यहाँ पे स्पीड है 40, यहाँ स्पीड है 25, तो ये कैलकुलेशन वाइज बड़ा इजी क्वेश्चन है क्योंकि सब डिवाइड हो जाएंगे। डिस्टेंस टोटल हमारा आ गया 100 और टाइम आ जाएगा 1 + 2 + 1, 100/4। अब दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14, पर केवल कैलकुलेशन का फर्क था, और देखिए वो वाला क्वेश्चन कितना ज्यादा टाइम लगा दिया। अभी वो वाला क्वेश्चन आपने ऑलरेडी देख लिया तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो बिना पढ़े भी कर सकते हैं, ठीक है, तो टफ क्वेश्चन लगाने का फायदा यही होता है कि स्टूडेंट को एग्जाम से पहले। एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे की है एक ट्रेन की, अगर वो एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती तो वो 15 मिनट के लिए लेट होती, टोटल जर्नी बताइए कितने किलोमीटर की है, ठीक है। देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट या सेम डिस्टेंस के बीच में दो जर्नी हो, जैसे एक जर्नी इसने की 45 किलोमीटर की रफ्तार से, एक जर्नी की 30 किलोमीटर की रफ्तार से, इस टाइप के क्वेश्चन में जब हमसे पूछे टाइम से रिलेटेड कोई चीज पूछे, कितने घंटे या कितने मिनट या कितने सेकंड लगेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं S1 T1 = S2 T2। ये चीज नोट कर लीजिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा और एग्जाम में इससे आपके कम से कम 1 से 1.5 मिनट सेव होंगे, ये चीज गठन बांध लीजिए इस चीज की। अगर आपसे जैसे कि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे S1 S2 / ∆S ∆T = T, डायरेक्ट हमारा डिस्टेंस आ जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो दोनों अलग अलग स्पीड जो है वो S1 S2 मैंने लिए हैं, दोनों स्पीड का फर्क जो है वो ∆S, दोनों के टाइम में जो फर्क है वो ∆T, वहां से हमारा डिस्टेंस ये निकल के आ जाएगा। और अगर हमें टाइम निकालना होता तो इस तरीके से हम वैल्यू रखते क्वेश्चंस के हिसाब से, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले पे बेस्ड। पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ, स्पीड 1 है 45, स्पीड 2 है 30, दोनों में फर्क है 15 का, और टाइम में फर्क कितना आ रहा है, पहले तो वो मान लेते हैं टी आवर्स में पहुंच रहा था, नेक्स्ट टाइम वो टी प्लस 15 आवर्स में पहुंच रहा है, यानी कि टी प्लस 15/60, यूनिट का ध्यान रखना है। फर्क कितने का हो गया दोनों में, 1/4 का, यहां से आपका आंसर निकल के आ गया 45 × 2/4 = 22.5। ठीक है, अगर ये वाला फॉर्मूला आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई कर दिया तो इस क्वेश्चन में 10 से 15 सेकेंड आपको लगने हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा।
ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। आर जो है जॉगिंग जब करता है तो वो चलने की स्पीड से डबल स्पीड होती है उसकी जॉगिंग के टाइम, और जब वो रनिंग करता है तो रनिंग की स्पीड डबल होती है जॉगिंग की स्पीड से। यानी कि अगर एक उसकी स्पीड होती मान लेते हैं वॉकिंग के टाइम, तो इससे डबल दो स्पीड होती इसकी जॉगिंग के टाइम, और इससे डबल स्पीड होती इसकी रनिंग के टाइम। यानी कि वॉकिंग जॉगिंग और रनिंग की स्पीड का रेशियो इसका समझ में आ गया आपको, कैसे आया 1:2:4। अब ये बोल रहा है एवरेज स्पीड का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपसे बोल रहा है, ये होम से ऑफिस जब जाता है तो आधा डिस्टेंस तो ये वॉकिंग से कवर करता है, यानी कि मान सकते हैं W लिख देता हूं, और आधा डिस्टेंस जॉगिंग से कवर करता है। अगेन जब ये ऑफिस से होम की तरफ आता है तो आधा डिस्टेंस ये जॉगिंग से कवर करता है और आधा इसने रनिंग से कवर किया। ये चीज समझ में आई आपको? एवरेज स्पीड पूरी ट्रिप का पूछ रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस दो बार डिस्टेंस हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अगर इसकी ऑफिस और होम की दूरी कितनी है 10, ये पूरी दूरी हमें पता चल गई 10 किलोमीटर की है, और वॉकिंग की स्पीड 5 है, यानी कि बोल सकता हूँ यहाँ पे स्पीड 5 थी, यहाँ पे स्पीड 10 हो गई, यहाँ पे भी स्पीड 10 हो गई, और यहाँ पे स्पीड 20 हो गई। ठीक है, इसका डबल जॉगिंग, जॉगिंग का डबल रनिंग, डिस्टेंस भी है स्पीड भी है, यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब मैं इसे अगर एक स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, जरूरी थोड़ी ना राउंड ट्रिप का हम बनाए, ठीक है, आधा डिस्टेंस यानी कि 5 किलोमीटर इसने पहले वॉक किया 5 की स्पीड से, फिर इसने आधा डिस्टेंस 5 की स्पीड से 10 की स्पीड से जॉग किया, फिर इसने आधा डिस्टेंस 5 की स्पीड से अगेन जॉग किया, और आधा डिस्टेंस 5 की स्पीड से इसने रनिंग की। टोटल डिस्टेंस आ गया 20, इंडिविजुअल टाइम आ जाएगा 1 + ½ + ½ + 1/4, यानी कि हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, 2 + 1/4 यानी कि 9/4, इसे मैं लिख सकता हूँ 20/9/4, ये ऊपर चला जाएगा, 80/9 मेरा उत्तर आ गया। पी और क्यू की स्पीड हम लोग को दे रखी है, माफ कीजिएगा, P और Q दो बिंदु हैं, इसके बीच की दूरी तय करता है एक आदमी 50 की स्पीड से, जाते समय ये 50 की स्पीड से कवर करता है और आते समय 60% बढ़ा देता है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, 60% बढ़ाता है यानी कि पहले 100% थी अब 160% हो गई, रेशियो कितना हो गया 5:8, बात समझ में आई? रेशियो हो गया 5:20 से डिवाइड करेंगे 5:8। कभी भी किसी भी परसेंटेज से घटाया बढ़ाया जाए तो इनिशियल पोजीशन को हम 100% मानेंगे। तो पहले स्पीड 50 थी यानी कि ×10 का फैक्टर लग रहा है, पहले स्पीड 50 थी और अभी स्पीड 80 हो गई। पहले स्पीड 50 थी अभी स्पीड 80 हो गई। हमें डिस्टेंस के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, हमें डिस्टेंस के बारे में कुछ दिया ही नहीं, तो क्यों ना ऐसा कोई डिस्टेंस ले लिया जाए जो दोनों जो डिस्टेंस दोनों ही स्पीड से डिवाइड होता हो। तो मैं 8×5 = 4 और 2×0 = 400, डिस्टेंस मैंने ले लिया 400 किलोमीटर। अब मैं अगर इसे स्ट्रेट लाइन से दिखाऊं तो पहले तो ये P से Q गया और फिर Q से P गया, 400 किलोमीटर यहाँ कवर किए, 400 किलोमीटर यहाँ कवर किए, यहाँ स्पीड थी 50, यहाँ स्पीड थी 80, अभी वही क्वेश्चन बेसिक पे आ गया, 800 टोटल डिस्टेंस हो गया, 400/50 8 और इसके पे 50 8 13 5 सॉरी मिला के दोनों 13 आएगा, 800/13, और इसको कैलकुलेट करेंगे 13 × 6 = 78 होता है, तो 60s में आएगी वैल्यू, 61.53 हमारा आंसर आ गया। इसी चीज़ का एक फॉर्मूला दिया होता है बुकिश लैंग्वेज में, मुझे फॉर्मूला उतना नहीं पसंद है, टाइम आपको उतना ही लगना है, ठीक है। यहाँ पे केवल हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या की कि हमने डिस्टेंस एज्यूम कर लिया। आपको जब भी सेम डिस्टेंस कवर हो रहा हो, राउंड ट्रिप की बात कर रहा हूँ मैं, राउंड ट्रिप की बात कर रहा हूँ, और दोनों की स्पीड अलग है S1 और S2, तो फॉर्मूला हमारा आता है ट्वाइस ऑफ S1 × S2 अपॉन दोनों का एडिशन, S1 + S2। यही चीज़ मैं यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई करूँ तो 2×80×50/80+50 यानी कि 130, सेम चीज़ आपको निकल के आ जाएगी 800/13।
ठीक है। अभी ये सेकेंड सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया, ये ज़्यादा इजी लग रहा होगा आपको, बट ये काफ़ी बार हमसे मिस्टेक्स करवा देता है क्योंकि इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है कि वो एक राउंड ट्रिप करता है, स्पीड वन है, स्पीड टू है, उस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप ये कर सकते हो। बट मेरा मानना है फर्स्ट मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट है। जब आप लॉजिक से कोई क्वेश्चन करोगे वो कभी गलत नहीं होगा। प्रसाद देखिए 96 किलोमीटर बाइक पे जाता है, फिर कार पे जाता है, फिर हॉर्स कार्ट पे जाता है। 96 16 की स्पीड में, 124 31 की स्पीड में, 105 7 की स्पीड में। अब बताइए ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, सारे डिस्टेंस मिलाने हैं और हमें सबको डिवाइड करके सबके टाइम मिलाने हैं और एवरेज स्पीड निकाल लेना है। ये क्वेश्चन मैं कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आई होप आराम से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगेन देखिए ये कितना ईजी सा क्वेश्चन अब आ गया। अब आपने अगर स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन आपको हलवा मलाई लगेगा, एग्जाम में आ गया और एग्जाम में आया हुआ है 2022 के, तो ये क्वेश्चन आपको 10 से 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 250 डिस्टेंस है, स्पीड इसकी 50 यहाँ पे है, 70 स्पीड यहाँ पे है, टोटल डिस्टेंस 600 हो गया, टाइम आ गया यहाँ 5 घंटे, यहाँ पे भी 5 घंटे, 600/10 एवरेज स्पीड आ गई 60। एक बंदा है जो अलग अलग दूरी तय करता है, 40 की स्पीड से 3 घंटे में, 30 की स्पीड से 2 घंटे में और 80 की स्पीड से 5 घंटे में। मैंने आपको बताया हमेशा हम लोग को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही रखना है, कोई और दूसरी ट्रिक हमें लगानी नहीं है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है हमारे पास, टाइम सबका है। टाइम टोटल कितना हो गया, 3 + 2 + 5 10 घंटे। डिनोमिनेटर आ गया, डिस्टेंस कैसे आएगा। इंडिविजुअली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड और टाइम दोनों है, 120 60 400, 460 और 120 580 डिवाइड बाई 10 58। अब देखिए 33% हमारा ये वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। आई होप आपको जो सॉल्यूशंस मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहे हो, और आपकी अगर वो 10% भी हेल्प कर पा रहे हैं एग्जाम क्लियर करने में तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं कोशिश करूंगा, अभी देखिए 3 महीने लगभग बचे हैं, वैसे 3 महीने 15 दिन करीब बचे हैं, पर मैं मान के चलता हूँ 3 महीने यानी कि 90 डेज अप्रॉक्स आपके पास अभी CGL 2023 के लिए बचे हैं। और मैं मानता हूँ CGL जैसे एग्ज़ाम के लिए जिसमें टीयर वन अभी क्वालिफाइंग हो गया है उसके लिए आपके पास 3 महीने बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इसके बारे में मैं और बात करूँगा आपसे, मैं एक वीडियो कोशिश करूँगा बड़े ही संक्षेप में 10-15 मिनट में आपकी पूरी 90 दिन की स्ट्रेटजी बनवा पाऊँ, और उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इस क्वेश्चन पे चलते हैं, अगेन एवरेज स्पीड है 45, बस से 45 किलोमीटर प्रति घंटे और वापस आ जाता है 80 की स्पीड में, यानी कि पहले बस से गया 45 से वापस, इसे जल्दी हो रही थी इसने गाड़ी ले ली, 80 की स्पीड से वापस आ गया। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, देखिए डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम लोग वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और एज्यूम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेना कितना इजी है, डायरेक्टली ये करना है हम लोग को और कुछ भी नहीं करना है, 8 × 25 = 40, 3600 किलोमीटर ले लेंगे हम टोटल डिस्टेंस, तो 3600 + 3600 ये हमारा डिस्टेंस आ गया, अपॉन 3600 / 80 करेंगे तो 45 आएगा और डिवाइड बाई 45 करेंगे तो 80 आएगा क्योंकि मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 7200 / 125, 25 से करेंगे डिवाइड 288, अगेन करेंगे 288। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको गलत दिख रहे हैं, इसका सही उत्तर मगर 57.6 होगा। अगर मैं इस फॉर्मूले से भी करके देख लेता हूँ, 2S1S2/S1+S2 सेम चीज होनी थी, 2 × 45 × 80/125 वही आंसर आता आपका जो आपने अभी कैलकुलेट किया 57.6। क्वेश्चन नंबर 22, 300 किलोमीटर दूर तय की एक जीप ने दूरी 60 की स्पीड से और वापस आई वो
30 की स्पीड से एवरेज स्पीड पूछ रहा है। इस बार तो डिस्टेंस आपको क्लियर कट दे दिया है, तो मैं क्यों ना डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के बजाय मैं इस तरीके से कर लूं। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी क्वेश्चन देखिए बड़ा इजी सा है मगर कैलकुलेटिव है। बाकी अब एवरेज स्पीड मेरी समझ से अब आपने 12-13 क्वेश्चन कर लिए तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए 6 की स्पीड से 2 घंटे चले, तो यहाँ पे 12 किलोमीटर की दूरी तय की इन्होंने। फिर 2 की स्पीड से 1 घंटा चले तो 2 किलोमीटर कवर कर लिए। उसके बाद उन्होंने आधे घंटे का रेस्ट लिया और आधे घंटे लंच के लिए लगाए, यानी कि यहाँ पे आपको 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम कंसिडर करना पड़ेगा जब एवरेज स्पीड निकालेंगे। फिर उसके बाद 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक और घंटा ये लोग चले, तो 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या मतलब हो गया, 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में, 60 × 60 यानी कि 3600 मीटर वो चल लिया, यानी कि 3.6 किलोमीटर चला। और स्पीड यहाँ पे हमें उसी वे में करनी पड़ेगी, 18/5। देखिए जब भी मीटर प्रति सेकंड से हम किलोमीटर प्रति घंटे पे जाते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड पे जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको इस तरीके से याद कर लेते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इससे याद रखते हैं। मीटर से देखिए किलोमीटर बड़ा होता है, इसीलिए जब हम मीटर से किलोमीटर प्रति घंटे पे जाएंगे तो ये बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और किलोमीटर से मीटर पे जाएंगे तो ये छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये मेरा तरीका है, बाकी आपको जो तरीका सही लगे, जैसे आपको याद करना हो, हमें याद होना चाहिए एग्जाम में, सही से हमारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। इस स्पीड से कवर किया और फाइनली 4 की स्पीड से इसने 3 घंटे कवर किए, यानी कि 12 किलोमीटर चला। इस बार मैंने डिस्टेंस पहले ही कैलकुलेट कर दिया ताकि इजिली 24, 2, 26 और 3, 29.6 किलोमीटर ये चला। और स्पीड है हमारे पास इंडिविजुअल, तो टाइम भी निकाल सकते हैं यहाँ से, 2, 1, 3.6 डिवाइड बाई, ये भी 3.6 ही है, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, तो 3, 2, 5 और 2, 7, 29.6 डिवाइड बाई 7, 7 × क्या मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत किया है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे कुछ भी गलत हुआ है। 6 × 2 12 हो गया। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने 1 घंटे का जो रेस्ट लिया था वो कंसिडर नहीं किया है, ये हमें कंसिडर किया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि ये लोग रेस्ट ले रहे हैं, इसको कवर करना है। 8 × 3 = 24 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 6 किलोमीटर अपने घर से मेट्रो की तरफ गया, फिर मेट्रो की जो स्पीड 60 किलोमीटर थी उससे डेस्टिनेशन पहुंच गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। 6 किलोमीटर ये अपनी स्पीड से गया जो हमें नहीं पता है, एक्स, और फिर बचा हुआ जो भी किलोमीटर था वो इसने कवर किया किससे, 60 की स्पीड से, क्योंकि वो मेट्रो में बैठा था। उसे टोटल जो है 3 घंटे लगे पूरी जर्नी खत्म करने में, और पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 32 थी। तो मुझे बताइए, अगर पूरी जर्नी का टाइम भी है आपके पास, स्पीड भी है, एवरेज स्पीड दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 96 किलोमीटर, 32 × 3, यानी कि 6 किलोमीटर अगर ये चल के गया है तो मेट्रो से इसने कितनी दूरी कवर की, 90 किलोमीटर की। ये चीज़ आपको समझ में आई। नब्बे किलोमीटर की दूरी कवर की। आपको ये पूछ रहा है कि ये जो वॉकिंग की स्पीड थी ये कितनी थी, इसकी वॉकिंग की जो स्पीड थी ये कितनी थी, तो हम अगेन फॉर्मूला लगाएंगे। 32 इज इक्वल टू 96 अपॉन 96 अपॉन, ये चीज मैं लिख सकता हूँ, ये 3 टाइम जाएगी, ये इधर आ जाएगा, 6/x + 1/2 = 3, 6/x = 1/2, x = 6/1/2 यानी कि 4। वॉकिंग की स्पीड आ गई आपकी।
कुछ नहीं किया हम लोग ने, फॉर्मूला लगाया है बस, इतनी सी एक्स्ट्रा चीज बताई। कभी भी आपके पास टोटल टाइम ऑफ जर्नी और एवरेज स्पीड हो तो डायरेक्टली आप टोटल डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, नहीं फर्क पड़ता कि वो कितनी बार अपना स्पीड चेंज कर रहा है। और बस शर्त इस टाइप के क्वेश्चन में यही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा कि कोई रेस्ट टाइम बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट टाइम नहीं होना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, हम लोग फॉर्मूले से कर सकते हैं कि वो गया 1/x की स्पीड से और आया 1/x² की स्पीड से। मैंने आपको बताया है टोटल डिस्टेंस जो हमारा है वो डबल हो जाता है, और फॉर्मूला जो होता है 2 × S1 × S2 / S1 + S2। यहां से अगर हम कैलकुलेट करें 2/x³ / x+1 / x², ये मैं लिख सकता हूँ। यहां से हम काटेंगे तो ये x² से x कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा 2x+1/x। अब यहां पे देखिए, आपको कोई भी माफ कीजिएगा, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये x² + x जो हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम जो है 60% जो है अपनी यूजुअल स्पीड से कोई जर्नी कवर करता है तो वो 36 मिनट लेट हो जाता है। अब देखिए, मैंने कुछ समय पहले एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो आपसे टाइम पूछेगा या तो आपसे डिस्टेंस पूछेगा। अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो आपको S1 S2 / ∆S × ∆t वाला फॉर्मूला लगाना है, जो हमने जिससे एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया। यहाँ पे आपको टाइम पूछ रहा है तो हमें S1 T1 = S2 T2 ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इस चीज में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई S1 तो मैं मान लेता हूँ कि ये आइडियल कंडीशन है, जब उसकी स्पीड 100% थी, जब उसकी स्पीड 100% थी और टाइम उसको उतना ही लग रहा था जितना लगना चाहिए, यानी कि यूजुअल टाइम लग रहा था, तो मैं ये S1 और T1 ऐसे ही ले लेता हूँ। S2 क्या है, 60% है, यानी कि 3/5 ऑफ S1 है। और T2 क्या है, T1 से 36 मिनट ज़्यादा, ये कर सकता हूँ मैं। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है, बार बार मैं ये चीज कह रहा हूं, यूनिट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। S1 T1 = 3/5 S1 T1 + 3/5, ये इक्वेशन आ गई। S1 और S1 हमारा यहां से कट जाएगा, इसीलिए ये वाली इक्वेशन मैं यूज करता हूं जब हम लोग को टाइम निकालना होता है। इजीली यहां से डायरेक्ट आपको नेक्स्ट स्टेप में टाइम निकल के आ जाएगा। ये आवर्स में आया है, आपको मिनट्स में आंसर पूछा है, × 60 कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 54 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, आपको पता है होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये चैप्टर बहुत वास्ट है, दिखने में जितना इजी लगता है उतना ही टफ चैप्टर है, और क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे लेवल के इस बार मुझे देखने को मिल रहे हैं। दो ट्रेनें हैं पी और क्यू जो अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, ये स्टेशन मान लेते हैं एस है, ये टी है, यहां से ट्रेन पी बढ़ी, यहां से ट्रेन क्यू बढ़ी। ये अलग क्वेश्चन देखिए एक फिक्स फॉर्मूले पे है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रटने पड़ते हैं, यहाँ पे हो सकता हो कि इसकी हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो आपको समझ में ना आए, पर मैं क्वेश्चन में आपको समझ में बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी कन्वर्ट करने में हिंदी में क्या होता है, जल्दी जल्दी में मैं ध्यान नहीं दे पाता, और ये एक फुल स्टॉप लगाने से वो क्वेश्चन की पूरी मीनिंग बदल जाती है। वो क्या रहा है, पी स्टेशन एस से चलती है, क्यू स्टेशन टी से चलती है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, मान लेते हैं बीच में कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस किए होंगे, उसके आगे पी बढ़ गया होगा आगे टी की तरफ और क्यू बढ़ गया होगा इधर, तो जब ये मिलते हैं उसके बाद का ये एक सिचुएशन बता रहा है कि पी को तो लगते हैं 4 घंटे 48 मिनट, यानी कि 4 4/5 / 60 कर देंगे मिनट को, और इसको लगते 3 घंटे 20 मिनट, यानी कि 3 1/3 आवर्स।
यहाँ पे पहुंचने के, ठीक है। मिलने के बाद जब आपको टाइम दिया हो इस तरीके से, तो आपको फॉर्मूला एक लगाना है, सिंपल सा रटने वाला फॉर्मूला है, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2 अपॉन T1, ठीक है। और ये टाइम क्या होगा, ये स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि मान लेते हैं P की स्पीड है, ये स्पीड ऑफ Q है, और इसी का इनवर्स करेंगे हम, टाइम टेकन बाई Q टाइम टेकन बाई P, ये वो टाइम है जब मिलने के बाद इन्हें जो लगा, और रूट में आ जाएगी ये वैल्यू। इसको हम लोग और कॉमन फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो SP अपॉन S3 रूट, PQ कितना लगा इसे, 3 घंटे 20 मिनट, यानी कि 10/3, और इसे लगा 24/5, 5 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 25/36, यानी कि 5/6, ये फ्रैक्शन आ गया। और आपको दी हुई है P की स्पीड 45, Q की स्पीड आपसे पूछ रहा है, इंटू 9 यहाँ पे है, तो इंटू 9 यहाँ पे भी होगा, 54 आपकी स्पीड आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है एज इट इज, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे, तो ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं SSC का, तो वो अपने आप में खुद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सेल्फ अंडरस्टूड है। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ एक कार ने रुक लिया, बड़ी आगे 20 किलोमीटर की स्पीड थी इसकी, 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद एक और कार सेम पॉइंट से शुरू की 30 की स्पीड पे, और 2.5 घंटे पहले पहुंच गई पहली कार से, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब आप रट के जाते हैं या फिक्स्ड एक स्टेप्स याद करके जाते हैं, तो आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन फंसा देते हैं, तभी मैं बोलता हूँ कि लॉजिक होना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता आपकी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, एक आध क्वेश्चन आना है उस पूरे चैप्टर से, तो आपको उस क्वेश्चन का एसेंस, उसकी सोल या उसका लॉजिक जरूर पता होना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने हमेशा बोला है कि टाइम हम लोग को सेम करना है, 1.5 घंटे बाद हमें सिचुएशन पता होनी चाहिए दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, क्योंकि बी दूसरा ऑब्जेक्ट जो है 1.5 घंटे बाद 30 की स्पीड से चल रहा है, और ये 1.5 घंटे में 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 20 × 1.5 यानी कि 30 किलोमीटर का। अब ये सिचुएशन आ गई जब ये गाड़ी भी शुरू हो गई है, ये गाड़ी भी चल रही है, और एंड में हमको बोला जा रहा है कि 2.5 घंटे पहले ही ये पहुंच जाती है, 2.5 घंटे पहले ही ये पहुंच जाती है, यानी कि इसने टोटल टाइम कितना लिया, मान लेते हैं इसने टी आवर्स लिए टोटल टाइम, तो इसने टोटल टाइम कितना लिया, टी प्लस यहां से तो 2.5 आवर्स लिए, पर अगर ओवरऑल मैं देखूं तो 1.5 घंटे इसने यहां भी यूज किए थे, तो ओवरऑल फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने टी प्लस 4 आवर्स लिए उस पूरी ट्रिप के लिए, और सेकेंड ऑब्जेक्ट ने टी आवर्स लिए। ये बात समझ में आ गई आपको? और एक चीज यहां से हम निकाल सकते हैं, ये नई चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं, S1:S2 अगर आपके पास रेशियो है, तो यहां से आप टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, यानी कि 20:30 हमारे पास दोनों की स्पीड का रेशियो है 2:3, इसी का हम लोग इन्वर्स कर देंगे तो टाइम का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि भाई जिसकी स्पीड कम है उसे ज्यादा टाइम लगेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसे कम टाइम लगेगा, सेम डिस्टेंस के लिए, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है, तो ये चीज मैं बोल सकता हूँ कि T1/T2 मैं बोल सकता हूँ 3:2 है, 3:2 है, और हमने अभी निकाला था कि इसको तो टी प्लस 4 आवर्स लगे और इसे टी आवर्स लगे, ठीक है। यहां से मैं लिख सकता हूं कि 3/2 इज इक्वल टू टी प्लस 4/T, यहां से हमें टाइम निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते थे कि दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे 1 है, एक्चुअल दूरी 4 है, इंटू 4 हर जगह कर देंगे, इसे 12 घंटे लग रहे हैं और इसे 8 घंटे लग रहे हैं, और यहां से आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे 12 × 20 कीजिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, चाहे 8 × 30 कीजिए सेकेंड ऑब्जेक्ट की, आपको टाइम मिल जाएगा 240 किलोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, और अपनी नोटबुक में भी अगर आप अच्छे क्वेश्चंस लिखना चाह रहे हैं तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं बाद में रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए।
इसकी पूरी पीडीएफ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जितने भी आज तक मैंने वीडियोस डाले हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ्स आपको मेरे चैनल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे आपके साथ शेयर कर दी। दो क्वेश्चन आए थे इस बार जो इस तरीके के आए थे, थोड़े रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा टफ कुछ है नहीं। आपसे यहाँ पे पूरा है कि दो बस हैं जो राइट एंगल्स पे मूव कर रही हैं, यानी कि इस तरीके से, एक 48 की स्पीड से चली, एक 36 की स्पीड से चली, 15 सेकेंड बाद क्या सिचुएशन है? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों के बीच की मैं दूरी, पहले तो मैं इसे मीटर पर सेकेंड में करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसे मैं घंटे में करूँगा तो बहुत लंबा फ्रैक्शन आ जाएगा, तो इसे मैं कर देता हूँ 48 इंटू मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 5/18 से करेंगे, 40/3 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, और इसकी स्पीड हो जाएगी 18 × 36 होता है, तो ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, ये स्पीड हो गई, और इंटू 15 सेकेंड में अगर मैं देखूं तो इसने कितना मूवमेंट कर लिया होगा, इंटू 5 200 मीटर, यानी कि ये दूरी मैं मान सकता हूँ 200 हो गई, और इसी तरीके से ये दूरी अगर हम कैलकुलेट करें तो इंटू 15 ये 150 हो जाएगी। दोनों के बीच की दूरी इस तरीके के केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं जब राइट एंगल्स पे मूव हो, ये 150 है, ये 200 है, तो ये 250 हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये डायरेक्टली आपने कैसे कर दिया, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे या पहला अटेम्प्ट है जिनका, वो हो सकता हो कहें कि यार ये तो आपने देख के किया है, पर ये बड़ा ही सिंपल सा है। मैंने एक शॉर्ट्स में भी बताया कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, आपको कुछ 14-15 ट्रिपलेट्स ऐसे हैं, जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इसको आप रियलाइज भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे ये ट्रिपलेट्स आपको पता होने चाहिए। कभी भी आपका कोई भी 3:4:5 रेशियो में साइड्स होती हैं तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। यहाँ पे दो साइड्स बेस और परपेंडिकुलर आपकी 3:4 रेशियो में है, 150 और 200, ये वाइसा वर्सा भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 4 हो चाहे 3 हो, पर आपकी हाइपोटेन्यूस हमेशा 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 50 × 3, 50 × 4, तो ये हो जाएगी 50 × 5। या तो यहाँ से आप √a² + b² भी कर सकते थे अगर आपको इन केस कोई ऐसी वैल्यू मिलती है जिसका ट्रिपलेट आपको नहीं पता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, अगेन सेम क्वेश्चन तो नहीं है, ये एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में है कि पहले तो यहाँ पे फिगर गलत है, वो ईस्ट चलता है, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से दिखाऊँ आपको मैप, तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले ये ईस्ट चल रहा है 14 किलोमीटर, उसके बाद ये नॉर्थ चलता है 48 किलोमीटर। आपसे बोल रहा है कि ये बताइए इनिशियल पोजिशन, ये बताइए। अब इसमें मैं आपको एक दो नई चीज़ें बताऊंगा कुछ बच्चों को, और काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने बताई हुई हैं वो चीज़ें, अगर आपने देख ली है तो वेल एंड गुड है। मैं आपको 50 के आसपास का स्क्वायर निकालना बताऊंगा, अगर ये चीज़ आपने देख ली है तो आप आगे बढ़ा सकते हैं 10-20 सेकेंड। यहाँ से हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, ये वैल्यू आएगी 14² + 48², ये चीज़ समझ में आ रही है, 14² + 48², और यहाँ से हमें 48² पता होना चाहिए। या तो एक तरीका है 48 × 48 इस तरीके से करें, सॉल्व करें, है ना, जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम तो वेस्ट होगा, हमारा थोड़ा सा टाइम तो हमारा वेस्ट होगा। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जब भी 50 के आसपास का स्क्वायर निकालना हो तो हमें बेस रखना है 25 को, बेस रखना है 25 को, यहां देखना है ये 50 से वैल्यू कितनी कम या ज्यादा है, तो क्योंकि दो कम है तो 25 से 2 माइनस करेंगे, 23 आ गया इस तरफ, और जितना कम ज्यादा है जो भी डिफरेंस है उसी का स्क्वायर कर देंगे दूसरे साइड, 2304 आपका 48 का स्क्वायर आ गया। किसी भी वैल्यू के देख लीजिए, मान लीजिए मैंने 56 का स्क्वायर निकालना है, तो अगेन मैं देखूंगा 50 से कितना कम ज़्यादा है, 6 का डिफरेंस है, तो मैं ये 6 क्योंकि ज़्यादा है तो 25 में 6 ऐड करूंगा 31, और अगेन अलग साइड क्या कर दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा 3136। ऐसे आप दर्जनों चीज़ कर सकते हैं, 100 के स्क्वायर का भी मुझे तरीका पता है, पर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका स्क्वायर आ गया 2304, 14 का स्क्वायर 196, 2500, यानी कि 14, 48 और 50 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। ये आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिसमें एक नया आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर समझ में आ रहा है या मिल रहा है, तो उसको आप एक जगह जरूर नोट डाउन करते जाएं, ये आपको आगे चल के जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो 110% आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको ये चीज़ पक्का पक्का हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 31, पॉइंट एच से
6:30 बजे के की तरफ एक ट्रेन मूव करती है 90 की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन के से मूव करती है 7:30 बजे किसी स्पीड से, 72 की स्पीड से। दोनों ट्रेनें अगर 11:30 बजे मिल रही हैं, बीच में कहीं मिलेंगी पॉइंट जे पे, तो ये बताइए रेशियो ऑफ डिस्टेंस एच जे और जे के बीच में, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस का रेशियो बताना है। सबसे पहली चीज मैंने आपको हमेशा बताया है, इस वीडियो में 3-4 क्वेश्चन में बता दिए, कभी भी टाइम डिफरेंस हो रहा है तो आपको पहले लास्ट टाइम पे जाना पड़ेगा, यानी कि इसको भी आपको 7:30 पे लेके आना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें देखना है कि 1 घंटे में, 1 घंटे का फर्क आ रहा है दोनों में, 1 घंटे में ये ट्रेन कितना चली होगी। 1 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, तो 90 चल रही होगी, 90 चल रही होगी, ये डिस्टेंस आ गया 90। ठीक है, एच यहाँ पे कहीं मान लेते हैं जे होगा और ये के है। अब 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं, यहां से ये 90 की स्पीड से चल रही है, यहां से ये 72 की स्पीड से चल रही है, और दोनों मिलते हैं 11:30 बजे, यानी कि 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आफ्टर 4 आवर्स वो लोग मिल रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में जिस जितने टाइम बाद वो दोनों मिलते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से ऑब्जेक्ट चलते हैं, तो वो हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है, तो यहाँ पे 162 हो जाएगी स्पीड, ये आ जाएगा टाइम। यहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, 162 × 4 यानी कि 640 और 8 648 किलोमीटर, ये मैं बोल सकता हूँ मेरा डिस्टेंस है यहाँ से। ये चीज़ समझ में आई आपको? कभी भी अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से पुट करता कि मान लीजिए इन दोनों के बीच की पूरी दूरी 648 और 90 कितनी है, 738 किलोमीटर है एच और के की, और ये बताइए अगर सारे पैरामीटर्स मैं बाकी सेम रख दूं कि ये दोनों कितने घंटे बाद मिलेंगे या कितने बजे मिलेंगे, ये चीज़ समझ में आई आपके? तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस जो कि इन दोनों के बीच का है अपॉन स्पीड जो कि ऐड हो जाती क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो हमें टाइम मिलता 4 घंटे बाद मिलेंगे किसके, 7:30 बजे के। तो ये चीज़ हमें इस बार गिवन है पहले से, और यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस आ गया 648 किलोमीटर, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे ये दूरी, ये दूरी अगर निकल जाए तो ये दूरी भी निकल जाएगी। देखिए 4 घंटे का ट्रैवल हो रहा है इस दौरान, और ये अगर 90 की स्पीड से चल रही है तो ये 4 घंटे में 360 किलोमीटर चली होगी, और ये अगर 72 की स्पीड से चल रही है तो 4 घंटे में 288 किलोमीटर चली होगी। यहाँ से मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये आ जाएगा 450 और इधर आ जाएगा 288। ये चीज समझ में आई, 450 और 288। ठीक है, 72 × 4 घंटे 288, इसका हमें रेशियो निकालना है। तो 8 8 16 2 18, ये 9 से चला जाएगा 5 बार, 9 से चला जाएगा 32 बार, 25:16 ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब ट्रेन्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। दो ट्रेनें जो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, एक 36 की स्पीड से एक 48 की स्पीड से। अब देखिए क्वेश्चन ये विचित्र क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, टाइम टेकन बाई फास्टर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन स्लोअर ट्रेन। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये आपकी फास्टर ट्रेन है, ये आपकी स्लोअर ट्रेन है, यहाँ पे एक आदमी इस ट्रेन में बैठा है इस पॉइंट पे। अब ये बोल रहा है, मैं फिर से इसको थोड़ा सा रीडेवलप करता हूँ चीज़ों को, मान लेते हैं अभी ट्रेन यहाँ पे है, यानी कि उस पॉइंट पे है जहाँ से आदमी ने उस ट्रेन को देखना शुरू किया। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ये क्योंकि फास्ट ट्रेन है तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी, यानी कि उस आदमी को कम्प्लीटली इस ट्रेन ने पार कर लिया होगा। ये चीज़ हम लोगों से पूछी जा रही है। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, रिलेटिव स्पीड निकालनी है। अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव माइनस हो जाएगी, यानी कि स्पीड कितनी हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे की, और क्योंकि ट्रेन्स के क्वेश्चन मैक्सिमम मीटर पर सेकंड में होते हैं तो इसे चेंज कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड।
दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड हमें पता चल गई। टाइम हमें दे रखा है 33 सेकेंड, डायरेक्टली हमें बस मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा 10/3 × 33, 110 मीटर लंबाई है फास्ट ट्रेन की। ठीक है, बात समझ में आई। और लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि ये आदमी इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह हो गया जब हम स्पीड कंसिडर करेंगे फास्टर ट्रेन की 10/3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये एक आदमी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है और एक ट्रेन आ रही है 10/3 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जो इसे पास कर देती है 33 सेकेंड में। तो आप बताइए कि इस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस हम के रूप में हम लोग लेंथ ऑफ ट्रेन लेते हैं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस के रूप में हम लोग लेंथ ऑफ ट्रेन लेते हैं। और इस क्वेश्चन को अभी एक बार आप अगर प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आपका हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया है 12 सेकेंड। इस बार ये बस चेंज कर दिया, ये स्लोवर ट्रेन है और जिसमें आदमी बैठा है वो फास्टर ट्रेन है, बट बात तो वही हो रही है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, इस बार अपोजिट डायरेक्शन है तो फास्ट स्लो से मतलब नहीं है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ही करेंगी और स्पीड दोनों की प्लस हो जाएगी। 48 और 60 108 होती है, × 5/18, 30 मीटर प्रति सेकेंड की इनकी रिलेटिव स्पीड है, टाइम है 12 सेकेंड, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 360 मीटर। सेम कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन जैसा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 81 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, उसे 72 सेकेंड लगते हैं दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करने में जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो सिचुएशन दिए, एक बार सेम डायरेक्शन की और एक बार अपोजिट डायरेक्शन की। सेम डायरेक्शन में स्पीड दोनों की माइनस होगी, 81 माइनस x ले लेंगे क्योंकि स्पीड इसकी नहीं पता है, और टाइम मिल रहा है 72 सेकेंड का, इसे भी हम चेंज कर लेंगे 5/18 पे। सेकेंड कंडीशन में दोनों अपोजिट हैं तो प्लस हो जाएगी स्पीड, अगेन ये हो जाएगा, और टाइम इस बार लग रहा है 36 सेकेंड। दोनों ही केस में ट्रेन, जब दो ट्रेन आपस में चलती हैं सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, दोनों ही केस में डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 + लेंथ ऑफ ट्रेन 2। ठीक है, ये दोनों ही केस में सेम रहेगा, किसी भी केस में आप देखेंगे ये हमेशा आपके लिए सेम रहेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं स्पीड इंटू टाइम कर दूं, ये दोनों चीज कट जाएंगी, 36 × 72, यहां से आ जाएगा 162 − 2x = 81 + 3x, 81 = 5x, और x यानी कि स्पीड आ गई मेरे पास 81/5। और इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं 5/18 से, मीटर प्रति सेकंड में मेरे पास स्पीड आ जाएगी 9/2 मीटर पर सेकेंड, 9/2 मीटर पर सेकेंड। अब मैं किसी भी इक्वेशन में अगर इसकी स्पीड रख दूं, किसी भी इक्वेशन में इसकी स्पीड रख दूं तो क्या मुझे आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे तो मैंने किलोमीटर प्रति घंटा इस कंसिडर किया था, तो मुझे यहाँ पे 81/5 ही रखना पड़ेगा, 81 − 81/5, 5/18 × 72, दोनों की ट्रेन की लेंथ मेरे पास आ जाएगी यहाँ से, यानी कि 4/5 × 81, 5/18, ये 4 बार गया, 4 × 4 = 16 × 81, 16 × 81 आई होप आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं फिर से सॉल्व करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, 81 दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो माइनस एक्स होगा, 5/18 × 72 सेकेंड, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड।
ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 81 इज इक्वल टू 3x आएगा, और x की स्पीड डायरेक्टली यहाँ पे 27 किलोमीटर प्रति घंटे की आ जाएगी। और यहाँ से जब आप वापस इसको पुट करेंगे तो आपको दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा 81 माइनस 27 54 इंटू 5/18 इंटू 72, 72 इंटू 5 360 इंटू 1080, और इसमें से एक ट्रेन की लेंथ हम माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 480। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे दोनों का टाइम सेम है, स्टार्ट का, राम का और राजू का, दोनों का स्टार्ट टाइम 8 बजे, तो हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। बस हमें ये दिया हुआ है कि भाई राम को कितना टाइम लग रहा है दूसरी पोजीशन पे जाने के लिए, 8 से 2 बजे तक कैलकुलेट करेंगे तो 6 घंटे लग रहे हैं टोटल, और यहीं इसे कितने लग, 4 और बढ़ के लग रहे हैं, इसे 10 घंटे लग रहे हैं। बाकी हमें कोई भी चीज़ क्वेश्चन में नहीं दी, और ये बोला है कि बीच में ये लोग कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है, और जनरली हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को ऐसा लेंगे कि ये दोनों को डिवाइड हो रहा हो दोनों से आराम से, तो मैं डिस्टेंस को ले लेता हूँ 60 किलोमीटर, डिस्टेंस को लूंगा 60 किलोमीटर, और आप डिस्टेंस की कोई भी वैल्यू लेंगे आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, उसके टेंशन आप नहीं लीजिए। चाहे छः यहाँ पे डिस्टेंस आप चाहे 60 लीजिए, 600 लीजिए, हम लोग ऐसी वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं जिससे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो मैंने डिस्टेंस ले लिया 60 किलोमीटर, डिस्टेंस ले लिया 60 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, 60/6 यानी कि 10, और इसकी स्पीड हो गई 6। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमें मिल जाएगा टाइम जब वो दोनों मिलेंगे, यानी कि 15/4 घंटे बाद, इसे मैं बोल सकता हूँ 3/4 यानी कि 3 घंटे 45 मिनट, कब से लेके, 8 बजे से लेके, यानी कि 11:45 पे दोनों मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, ए और बी 135 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। एक कार तो 8 बजे शुरू होती है जो 25 की स्पीड से चल रही है, और दूसरी कार 9 बजे शुरू होती है, तो हमें फिर देखिए, अब मैंने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे बता दिए, थोड़ा जल्दी करते हैं। 1 घंटे की दूरी हमें तय करनी है, 9 बजे दोनों को लाना है, तो ये 1 घंटे में 25 की दूरी ही कवर करेगा, और अभी रेस्ट डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 110, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, 9 बज रहे हैं, यहाँ से दोनों चल रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है, एक की स्पीड कितनी है 25 और एक की है 30, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, कब मिलेंगे वो लोग, 110 अपॉन 25 प्लस 30 55 यानी कि 2 घंटे बाद, कहाँ से, 9 बजे से 2 घंटे बाद यानी 11 बजे। क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मेनू और दया दो लोग हैं जो ए से बी, दोनों ए से बी जा रहे हैं, 105 किलोमीटर की दूरी है, एक 10 की स्पीड से जा रहा है और एक 25 की, यानी कि दया की स्पीड ज़्यादा है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये 25 की स्पीड से जा रहा है। दया जो है पॉइंट बी रीच किया, ये ए है ये बी है, दया पहले पहुंच जाएगा ऑफकोर्स ही बात है, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। वहां से वो बोल रहा है कि वो वापस मुड़ जाता है, यानी कि ऐसे गया, उसने देखा अभी तक तो यार मेनू पहुंचा नहीं, कहीं खो तो नहीं गया, और वो वापस मुड़ जाता है उसी स्पीड से, और वो यहाँ पे कहीं मेनू इसे मिल जाता है जो अभी तक पहला ही चक्कर लगा रहा होता है। ये बात समझ में आ गई आपकी। ये सी पॉइंट पे मिलते हैं, आपसे बोल रहा है ए और सी के बीच की दूरी बताइए, यानी कि ये डिस्टेंस आपको बताना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगेन मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, S1:S2 जो होता है उसी का अपोजिट हो जाएगा T2:T1, ठीक है, यानी कि 10:25 स्पीड है, यानी कि 2:5 इनकी स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो इनका कितना हो जाएगा, 5:2 का, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:2 का। और यहाँ पे क्योंकि हमें डिस्टेंस एग्जैक्टली दिया ही हुआ है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं अलग तरीके से, पर यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन आपको मिल जाएंगे या डेसिमल्स मिल जाएंगे, तो इस तरीके से करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं बोल सकता हूँ ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, ये दोनों मिला के मेरा कितना डिस्टेंस आ रहा है, 210 किलोमीटर आ जाएगा।
और अगर मैं इसको x मान लूं, जितना दूर ये यहां से चल के आया इसे मैं मान लेता हूं x, तो ये चला एक ने कितना चला 105 प्लस एक्स, और दूसरे ने कितना चला 105 माइनस एक्स। एक चला 105 प्लस एक्स और एक चला 105 माइनस एक्स। और मैं ये बोल सकता हूं 105 प्लस एक्स अपॉन 25 इज इक्वल टू 105 माइनस एक्स अपॉन 10, यानी कि जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा उतने ही टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा, यानी कि मैं बोल सकता हूं टाइम को मैं इक्वेट कर रहा हूं, टाइम को मैं इक्वेट कर रहा हूं। मैं यहां पे ये सारी चीजें हटा देता हूं क्योंकि इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आपके अंदर बढ़ जाएगी, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे हम तो एग्जाम में आराम से हमें याद भी रहेंगी चीजें और आसानी से हो जाएगा। मैंने टाइम इक्वेट किया कि भाई इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए दोनों की टाइम तो सेम है, एक ने कम कवर किया एक ने ज्यादा कवर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई 210 प्लस 2x इज इक्वल टू 525 माइनस 5x, 7x इज इक्वल टू 315 45, ये दूरी आ गई 45, तो ये दूरी कितनी होगी 60। हमें पॉइंट ए से पूछ रहा था, सही उत्तर 60 होगा, 45 बी से दूरी होगा, तो कैलकुलेट सही हुआ है, मगर क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है ए से हमें कैलकुलेट करना है। दो स्टेशन हैं आर और एस, दोनों 400 किलोमीटर की दूरी पे हैं, 400 किलोमीटर की दूरी पे हैं। एक ट्रेन जो है वो आर से एस पे और एक एस से आर पे आती है, दोनों 10 घंटे बाद मिल जाते हैं, दोनों 10 घंटे बाद मिल जाते हैं। अगर एक की स्पीड एक्स प्लस 4 है, एक की स्पीड एक्स है, ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि एक की स्पीड 4 किलोमीटर ज्यादा है, तो मैंने मान लिया कि एक्स प्लस 4 है। टाइम हमें 10 घंटा दिया है, डिस्टेंस हमें 400 दिया है, तो यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या रही होगी 400 बाई 10, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड होगी। स्लोवर ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है तो ये आ जाएगा आंसर। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं जहां पे हमें ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकेंड पे कैसे जाते हैं। देखिए मैंने आपको सिखाया था बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, और छोटे से बड़े पे जा रहे हैं 18/5 से। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आसानी से हो जाएगा। बाकी दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं, दोनों स्टेटमेंट दिया है टाइम कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है। और दूसरी चीज डिस्टेंस जो है अगर कम टाइम पे कवर किया जाए तो हायर स्पीड है, यानी कि ठीक है भाई स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यही चीज बोलना चाह रहा है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो भाई एक कॉमन मैन भी बता देगा, एक बनिया इसका जवाब सबसे सही तरीके से देगा, और मैं खुद एक मारवाड़ी हूँ कि हम लोग बड़ा खर्चा बचा के चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो बड़ी आसानी से हो जाएंगी। पर अगर हम इसे शॉर्टकट में करना चाहें, 492 किलोमीटर में 36 लीटर तेल लग रहा है, तो कितने किलोमीटर में 33 किलोमीटर तेल लगेगा, 33 लीटर तेल लगेगा, तो जितने किलोमीटर में 36 लग रहा है वो डिवाइड करेंगे और 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक शॉर्टकट है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप मेरा रेशियो और प्रपोर्शन या परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी चैप्टर मेरा देख सकते हैं आप, कोई वीडियो, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा ये फॉर्मूला मैंने कैसे लगाया स्पेसिफिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन, ये छूट गया होगा कहीं बीच में। अच्छा ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, देखिए टीयर 1 में भी इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, 15 क्वेश्चन करीब, और टीयर 2 में भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप अब आराम से आप कर लेंगे, कैलकुलेशन भी इजी है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 121, 105 और 6, 111 नहीं, मुझे भी क्या हो गया, काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मैंने आज ना, तो दिमाग भ्रष्ट हो रहा है। 131,
यहाँ पे 3 + 2, ये मैं टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ, जिन्होंने पहले नहीं देखा है उनके लिए बता रहा हूँ, 131/8, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वो आपका आंसर। ये देखिए टनल से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए जब भी एक टेल ट्रेन किसी, मान लेते हैं ये हमारी ट्रेन है और ये एक ब्रिज या टनल है, ठीक है, ये एक ब्रिज या टनल है या प्लेटफॉर्म है, इस तरीके से क्वेश्चन में आपको दो तीन वर्ड्स दे सकता है, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, टनल, ठीक है, तीनों का तरीका एक ही है, बस वर्डिंग अलग है। 1250 मीटर का ये टनल है, 350 मीटर की ये ट्रेन है। ट्रेन के क्वेश्चन में जब भी एक ट्रेन एक ब्रिज या टनल या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसमें डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल या ब्रिज या प्लेटफॉर्म। 1600 आ गया डिस्टेंस हमारा, टाइम दे रखा है 80 सेकेंड, स्पीड यहां से आ गई। नेक्स्ट स्टेप है, यहां पे देखिए यूनिट्स हम लोग को चेंज कर दिए, मीटर से किलोमीटर पे जाना है, बड़े से मल्टीप्लाई कीजिए। और एक चीज आपको, अब क्वेश्चन आपने काफी कर लिए हैं यूनिट चेंज पे, तो पता होना चाहिए कि 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही आप यहाँ पे, क्योंकि 20 आया था हमारे पास, डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये इंटू 4 है तो मन में ही कर लिया, 18 × 4 72 होगा। जैसे अगर 25 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है तो ये इंटू 5 है तो 18 × 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी इक्विवेलेंट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 43, एक स्विमर है जो 6 मिनट अगेंस्ट द करंट जाता है स्विम करके और 6 मिनट के लिए वापस भी आता है, यानी कि अगर आपको नहीं पता है अगेंस्ट द करंट का मतलब नदी के बहाव के विरुद्ध, यानी कि अपस्ट्रीम, इसे हम लोग अपस्ट्रीम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, और जब नदी के बहाव के साथ आएगा तो वो डाउनस्ट्रीम होगा। दोनों में फर्क क्या है, अगर मैं मान लूं इसकी खुद की स्पीड ए है, मैं सारे क्वेश्चंस में जो बंदा होता है या जो बोट होती है उसकी स्पीड खुद की ए मानता हूं और जो रिवर की स्पीड है उसे बी मान लेता हूं, या करंट की स्पीड जो है या बहाव जो है उसे बी मान लेता हूं, अप स्ट्रीम में ये माइनस हो जाती है, डाउन स्ट्रीम में ये मतलब क्योंकि बहाव के साथ 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 स्विम करेगा तो इसकी स्पीड खुद से बढ़ जाएगी, ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको क्लियरली अभी तक नहीं पता था। ठीक है, तो 6 मिनट लेता है जाने में, 6 मिनट लेता है आने में। अब एक चीज बताइए आप, टाइम दोनों में सेम है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ये वाला, टाइम दोनों में सेम है तो आप ये बताइए कि जब इसकी स्पीड कम है और टाइम सेम है तो डिस्टेंस इसने कम कवर किया होगा, मान लेते हैं इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, और यहां पे ये रुक गया जाके 6 मिनट के बाद, और यहां से जब ये वापस आने लगा तो इसे स्पीड ज्यादा मिल गई और टाइम उसने उतना ही लिया, तो ये मैं कह सकता हूं कि ये भाई तैरते तैरते आगे कहीं चला गया होगा इस पॉइंट पे, आर पॉइंट तक, क्योंकि टाइम इसका सेम रहा और स्पीड इसकी बढ़ गई और डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो ज्यादा डिस्टेंस इसने कवर कर लिया वापसी में, ये और पीछे चला गया, ये बात समझ में आई आपके। और ये जो फर्क आया, अब देखिए इसने, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको गड़बड़ कर दिया, जब वो वापस लौट के आया तो इस पॉइंट को इन्होंने क्यू बताया है, तो पी और क्यू के बीच में दूरी 120 होगी। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर दिए थे कि गया और लौट के आया, क्योंकि आदत होती है, रटा हुआ होता है क्वेश्चन, तो इस तरीके से ले लिया और उनका क्वेश्चन हो गया गलत, इस तरीके से ले लिया और क्वेश्चन हो गया गलत। डिस्टेंस बिटवीन पी और क्यू अगर 120 है तो स्पीड ऑफ करंट हमें बताना है, स्पीड ऑफ करंट हमें बताना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैं यहां से एक चीज ये ले लेता हूं, ए माइनस बी, पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये जो डिस्टेंस है, ये क्या कैलकुलेट हुआ, तो स्पीड इनटू टाइम 6 मिनट, यानी कि 1/10 मैं आवर्स में कर सकता हूँ, या मैं यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है तो मैं उसी में कर देता हूँ, सबसे बेस्ट है। और जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया इसने उसमें स्पीड थी ए प्लस बी, सेम टाइम है 1/10, इन दोनों के बीच का फर्क कितना हुआ 120 मीटर का, इसे भी मैं किलोमीटर में कर दूंगा 0.12,
ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 उधर ले जाते हैं 1.2, बी इज इक्वल टू 1.2, बी इज इक्वल टू 0.6। मैंने क्या बोला था, बी मैं किसको मानता हूँ, रिवर की स्पीड को, और आपसे वही पूछ रहा है करंट की स्पीड क्या थी 0.6। अगर यहां से आपसे पूछता कि उस आदमी की खुद की अपनी स्विमिंग स्पीड क्या थी, तो वहां से हम लोग ए भी कैलकुलेट कर सकते थे बी निकालने के बाद। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर बार मिलेंगे। इस बार भी दो तीन क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे इस टाइप के, जहां पे आपको ना डिस्टेंस दिया है ना स्पीड दी है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, आपको केवल टाइम दिया है। एक चीज आपको कंफर्म करनी है केवल, कि ये जब डाउन स्ट्रीम जाता है या अप स्ट्रीम जाता है, इस समय टोटल डिस्टेंस क्या दोनों ही कंडीशन में हमें सेम दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेम डिस्टेंस। अगर ये चीज आपको क्वेश्चन में दी है, तो आप ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। डाउन स्ट्रीम में से कम टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है स्पीड होगी ए प्लस बी। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया टाइम है 9 आवर्स, स्पीड है ए माइनस बी, अप स्ट्रीम में टाइम है 18 घंटे। जो ये टाइम का रेशियो है ना, उसी का उल्टा होगा स्पीड का रेशियो, जो मैंने जनरल क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि S1 अपॉन S2, क्योंकि ये टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इस तरीके से वैरी करता है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 18/9, यानी कि 2/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a - 2b, ए इज इक्वल टू 3b। ये चीज मेरे पास आ गई। अब यहां से देखिए ना, आपको डिस्टेंस दिया है ना स्पीड दी है, तो आपके ऊपर है, आप क्या एज्यूम करते हैं। मैंने मान लिया एज इट इज, मान लिया बी को अगर मैं 1 मान लू, तो ए मेरा क्या आ जाएगा 3। बी को मैंने 1 मान लिया तो ए आ जाएगा 3। किलोमीटर प्रति घंटे में ही सब चीज लूंगा, क्योंकि यहां पे टाइम आवर्स में दिया हुआ है, और हमसे आंसर भी आवर्स में पूछ रहा है। यहां से आप दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों में किसी में भी वैल्यू पुट करेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे, जो कि होता है स्पीड इंटू टाइम, तो आपको सेम आंसर मिलेगा। जैसे कि यहां पे 4 × 9 = 36, और यहां पे 2 × 18 = 36, यानी कि टोटल डिस्टेंस मेरे पास इस एजम्पशन से आ गया 36 किलोमीटर। ए आ गई, यानी कि खुद की उसकी स्पीड जो है वो आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटे की, और जो रिवर की स्पीड है वो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे बोल रहे हैं 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस उसे कितने टाइम में लगेगा, जब वो खुद से, यानी कि नदी का अगर हम लोग कंसिडर ना करें स्पीड, तो खुद से उसे कितना लगेगा। वैसे तो 12 घंटे लगता, पर 3/5 भी कंसिडर करना है हमें, 3/5 भी कंसिडर करना है हमें, तो ये आंसर आ जाएगा 7.2 आवर्स। आई होप सेशन में आप लोग को मजा आ रहा हो, है ना। थोड़ा बहुत ये सारी चीजें मोटिवेट करती हैं हमें भी, कि क्वेश्चन को या किसी भी वीडियो को इतना इन्फॉर्मेटिव हम लोग बना सकें। कभी कभार इंसान बोर हो जाता है, यार क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, अपने को तो आता ही है ना, कुछ इस तरीके की फीलिंग भी आती है। पर ठीक है, बताएंगे सारी चीज आपको। कोशिश ये रहती है कि कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए, जो हमारे समय हमारे मन में रह जाया करता था। स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी कि ए की वैल्यू आपको दे दी 16/3। दूसरी चीज दे दी कि बोट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू रो अपस्ट्रीम देन इट डज टू रो डाउनस्ट्रीम, इट्स द सेम डिस्टेंस, पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहां से अभी डायरेक्टली, अगर आपको ये चीज पता है तो डायरेक्टली आपने ये कर देना था 3/1, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3a - 3b, 2a = 4b, और ए इज इक्वल टू 2b। ये चीज आपको पता चल गई, मैंने अगेन b की वैल्यू ले ली 1 और a आ गया मेरे पास 2, क्योंकि अगेन मेरे पास कुछ भी ओके इस बार मुझे एक्चुअल स्पीड दी हुई है, एक्चुअल स्पीड मुझे दी हुई है 16/3, तो यहां से मैं यूज करके b को निकाल लूंगा, जो कि होगा इसका आधा, तो ये हो जाएगा 8/3 किलोमीटर प्रति घंटे। और यही हमसे सवाल में पूछ रहा था, इतना लंबा चौड़ा जो सवाल है उसको हमने मुश्किल से 20 सेकंड में सॉल्व कर दिया,
और मीटर पर सेकंड में इन्हें चाहिए 20/27। क्वेश्चन नंबर 46 है, ये अगेन आपको ए की वैल्यू इस बार दी हुई है पहले से ही 42/3, 45/2। स्पीड इसको 22.5 ही ले लेते हैं, देख लेते हैं डेसिमल यूज होगा तो डेसिमल यूज कर लेंगे या फ्रैक्शन यूज होगा तो फ्रैक्शन यूज कर लेंगे, दोनों चीज लिख ली मैंने। किलोमीटर प्रति घंटे में है, 40 मिनट लगते हैं एक जगह पे जाने के और वापस आने के, यानी कि ये अंडरस्टूड है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से बोल रहा है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ रहा है, यानी कि आधा डिस्टेंस उसने, ये डिस्टेंस अगर डी है तो डी डिस्टेंस उसने अप स्ट्रीम गया मान लेते हैं, और डी डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड से आया। ये चीज क्लियर है आपको? डिस्टेंस पूछ रहा है, इस बार सारी चीज की एक्चुअल वैल्यू दी है तो हम कोई भी ट्रिक यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम को भी आवर्स में ले लेंगे तो हो जाएगा 2/3 घंटे, और यहां से अगर हम देखें तो देखिए टोटल टाइम कितना होगा। ये टोटल टाइम आपको दिया है तो मैं बोल सकता हूँ जो टाइम लगा अप स्ट्रीम और जो टाइम लगा डाउन स्ट्रीम जाने में, दोनों में मैं ऐड कर दूं, यानी कि ये डिस्टेंस ये गया और फिर वापसी में ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया, दोनों टाइम को अलग अलग ऐड कर दूं तो टोटल टाइम आ जाएगा। इसका टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन ए माइनस बी। ए माइनस बी यहां से क्या आ जाएगा? 10 प्लस डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड 22/12, 34/1, 35। यहां से केवल एक अननोन आपके पास रह गया है। क्या ये क्वेश्चन अब आप आराम से सॉल्व कर लेंगे? इसकी कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ये आई थिंक आपको अंडरस्टूड है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, राउंड ट्रिप वाला, और डिस्टेंस आपसे पूछ रहा हो, एक्चुअल सारी वैल्यूज एक्चुअल है, तो आपको इस तरीके से ही यूज करना है और कोई फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 47, इस क्वेश्चन का भी मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पर वो शॉर्ट ट्रिक मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं, जो कि ज्यादातर लोग आपको नहीं बताएंगे। वो क्वेश्चन से इस तरीके के करा देते हैं कि आपको लगता है ये क्वेश्चन इसी तरीके से बन सकता है, पर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, मेन्स के पिछले 1-2 साल के पेपर के क्वेश्चन देखेंगे इस सेम टाइप के, तो आप पाएंगे कि इसमें ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, देखिए दो आपको अलग अलग सिचुएशन दी हैं। 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम उसने तैरा और 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तैरा 8 घंटे में, ठीक है? तो यहां पे अगेन मैं टाइम की इक्वेशन बनाऊंगा, ये मैं टाइम की इक्वेशन बनाऊंगा इसमें, तो मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम। T1 और T2 दोनों को जोड़ दिया आपस में, इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन बनेगी 35 अपॉन ए माइनस बी, और 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया ए प्लस बी 11 घंटे में। इस तरीके के क्वेश्चन में अगर मैं पहले आपको ट्रिक ना बताऊं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे ट्रिक काम नहीं करेगी। हम लोगों को ए माइनस बी को अभी के लिए यू मान लेना है और ए प्लस बी को डी मान लेना है, या एक्स वाई जैसा भी आप चाहें आप मान सकते हैं, ताकि यहां पे हमारे इतने कठिन वेरिएबल्स के जगह इस तरीके से इक्वेशन हमारी बन जाए, ठीक है? बाद में ए और बी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और हमें किसी भी एक कोफिशियंट को या न्यूमरेटर को यहाँ पे बराबर करना है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ 13/3 है, यहाँ 13/2, आप फर्स्ट वाले को भी कर सकते हैं, मैं सेकेंड वाले को करके दिखा रहा हूँ। तो यानी कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, वही जो हम लोग बचपन में यूज करते थे, दो तो इक्वेशन दो अननोन को सॉल्व करने के लिए, इसको (×4) कर दूं, इसको (×3) कर दूं, तो मेरा जो ये प्लेस पे वेरिएबल है ये माइनस करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो ये कट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कैलकुलेट नहीं करता, मैं ऑटोमेटिकली काट के ही चलता हूँ। 4 × 2 = 8 हो जाएगा, ये 25 है, 25 × 4 = 100 और ये 105। तो मैं क्या करूंगा, 2 − 1 करूंगा ताकि ये पॉजिटिव में ही रहे, तो ये 5/u इज इक्वल टू, यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा 33 − 32 यानी कि 1, यू की वैल्यू आ गई 5, यू की वैल्यू आ गई 5, यानी कि मेरी अप स्ट्रीम स्पीड 5 आ गई। अगर मेरे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड भी आ गई,
इसी तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी 13 आ जाएगी, और यहाँ से फिर आप फर्दर ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक कि कैसे आप निकाल सकते हैं। जब देखिए दो अननोन हो, दो इक्वेशन हो, और इस तरीके से इक्वेशन हो, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, इस तरीके से इक्वेशन हो कि ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो जो वैल्यू दोनों इक्वेशन में प्लस में है, जैसे कि यहाँ ए दोनों में प्लस में है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को आप ऐड कर दें और डिवाइड बाई 2 कर दें, यानी कि 18/2 9, और बी की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को आपको माइनस करना है और डिवाइड बाई 2 करना है, 13 - 5 8/2 4। ठीक है, तीन चार चीजें मैंने आपके काम की इस क्वेश्चन में बता दी। अब मैं बताता हूं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी थी। हमको ये पता चल गया कि अप स्ट्रीम स्पीड 5 आएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड 15 आएगी, तो इसमें ट्रिक कहाँ यूज कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में। देखिए ये जो आपका नंबर्स है ना, इससे आपका आंसर डायरेक्टली निकल आना था। आपको इन दोनों का एचसीएफ देखना है, अप स्ट्रीम वाले न्यूमरेटर्स का और डाउन स्ट्रीम वाले न्यूमरेटर्स का एचसीएफ देखना है। तो यहाँ पे आप देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, आ गई आपकी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड। कुछ नहीं करना पड़ा हमें, डायरेक्टली हमने बस अप स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के जो डिस्टेंस है उसको नाप लिया और एचसीएफ निकाल लिया और इन दोनों का एचसीएफ निकाल लिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 4 किलोमीटर ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, पर ये मैंने बताया कि आप मेंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये चीज़ आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो अगर एग्जाम में आपके पास कम टाइम बचा है तब आप इस तरीके को यूज़ करें, वरना आप बेसिक मेथड से जाएं, वो मैं प्रिफर करूंगा, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं लगेगा अगर आपने सही से इक्वेशंस को कैलकुलेट कर लिया। 9 घंटे 36 मिनट में अप स्ट्रीम डिस्टेंस इसने कवर किया और सेम डिस्टेंस इसने 6 घंटे में डाउन स्ट्रीम में कवर किया। क्या मैंने ये ट्रिक आपको अच्छे से अब बता दी है? जब सेम डिस्टेंस हो, डिस्टेंस सेम हो, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड हो, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, जो ज़्यादा टाइम है उसे ए प्लस बी के साथ कर दिया। 9 घंटे 36 मिनट यानी कि 9 3/5 45 और 3 48/5, और नीचे आ जाएगा आपका 6, ये 8 से जाएगा, रेशियो कितना आ गया 8/5, 8/5। यहां से सॉल्व कर लेंगे 5a + 5b = 8a - 8b, यहां से सॉल्व कर लेंगे 3a = 13b, a/b = 13/3, जो हमसे रेशियो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो कि होता है a, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि होता है बी, दोनों का रेशियो हमें निकल के ऑलरेडी आ गया। ये तो हम वैसे भी सारे क्वेश्चंस में यूज कर रहे थे रेशियो। क्वेश्चन नंबर 49, अ मैन रोज 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम्स बैक इन 14 घंटे, यानी कि टोटल ट्रिप आपको बता दी 14 घंटे, टोटल ट्रिप उसने बता दी 14 घंटे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे टोटल टाइम आपको बताया 14 घंटे। इसको हम तोड़ सकते हैं टाइम ऑफ अप स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम इस तरीके से, और इक्वेशन बना सकते हैं 48 अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड + 48 अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये मेरी इक्वेशन बन गई डायरेक्टली। मैंने बताया जब भी टोटल टाइम दिया हो इस तरीके से आप कर सकते हैं, प्लस आपको ये दिया हुआ है इस बार एक ये चीज़ कि 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम अगर ये करेगा उतने ही टाइम में वो 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम चल पाएगा। तो क्या मुझे यहाँ पे यू और डी के दोनों की पैरामीटर्स दे दिए? स्पीड क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, तो मैं बोल सकता हूँ ये 3/4 हो जाएगी अप स्ट्रीम अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड। मैं इस बार इसे ए और ए के फॉर्म में ले लेता हूँ। बहुत लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ 3 रख देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप वैसे भी करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ये पहले मैं बताता हूँ, पर जरूरी नहीं है कि ये हर क्वेश्चन में आए। तो यहाँ पे मैंने रेशियो है और एग्जैक्ट वैल्यूज दी हुई हैं आपको, तो मैंने इस तरीके से एज्यूम कर लिया मेरी अप स्ट्रीम स्पीड हो गई 3a और डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई 4a। इतना क्लियर है? यहां से a को मैं इधर ले आता हूं, 14a = 16 + 12 28, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। आपसे क्या पूछ रहा था? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अब हमें अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों निकालना पड़ेगा। ये थी 4a के बराबर
ठीक है, यहाँ पे ए मैंने यहाँ भी एज्यूम किया, इसे आप एक्स भी मान सकते हो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये बस एक वेरिएबल है। तो ये बोल सकते हैं ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4x के बराबर था तो ये 8 हो जाएगी, और ये 3x के बराबर था तो ये 6 हो जाएगी। हम लोग को स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए, तो डायरेक्टली मैंने बताया था अगर माइनस और प्लस वाले को देखना है, दोनों को माइनस कीजिए और डिवाइड बाई 2 कीजिए, ये आ जाएगी आपकी स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो एक दो क्वेश्चन पीछे जाके आप देखें कैसे मैंने ये चीज़ बताई थी। क्वेश्चन नंबर 50, एक आदमी है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्टिल वाटर में चल सकता है, ए की वैल्यू हमें दी हुई है और बी की वैल्यू भी हमें दे दी है, और टोटल टाइम अगेन दिया हुआ है, टोटल टाइम अगेन दिया है, तो क्या मैं यहाँ पे टी यू प्लस टी डी में तोड़ूंगा इसे, 2 घंटे दिए हुए हैं, अगेन टी यू क्या हो जाएगा डायरेक्टली, अभी डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है तो डिस्टेंस तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, ए माइनस बी यानी कि 5.5, ए प्लस बी यानी कि 14.5, अगेन वो इक्वेशन बन गई। यहां से मैं बोल सकता हूं आपको आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है, 31/4 या ऐसा कुछ वैल्यू हो सकता हो आपको मिलेगा, 319/ कुछ इस तरीके से मिल सकती है वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 51, 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 2 घंटे में जाती है और सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम 7 घंटे में जाती है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको डायरेक्टली डिस्टेंस और टाइम दोनों दे दिया, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई 17.5, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, ओके मैंने उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, डाउन स्ट्रीम स्पीड 17.5, अप स्ट्रीम स्पीड हो गई 35/7.5, और आपसे बोल रहा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस बी, और आपको इस बोट की स्पीड पूछ रहा है, इस बार आपको ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगेन मैं इसको प्लस करूंगा 22.5 आएगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा 11.5 आ जाएगा, इजी क्वेश्चन था ये। अब हम लोग रेस के क्वेश्चन करेंगे, ये रेस के क्वेश्चन सारे के सारे 9 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि बहुत अजीबोगरीब तरीके से हर जगह दे रखे हैं और थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें समझा पाऊं, अगर आपने रेस आज तक नहीं भी पढ़ा है तो इन 9 क्वेश्चन से आपका एक बेस बन जाए अच्छा खासा, सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं, देखिएगा ध्यान से। 100 मीटर की एक रेस है, मान लेते हैं इस तरीके से है, ए बीट्स बी बाई 20 मीटर, 20 मीटर, इसका क्या मतलब होता है कि ए ने बी को 20 मीटर से हराया, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि जब ए और बी ने स्टार्ट किया होगा तो दोनों इसी पॉइंट पे होंगे, ये भागा होगा और ये भी भागा होगा, जब इसने रेस खत्म की तो बी इससे 20 मीटर पीछे था, यानी कि ए जितनी देर में 100 मीटर दौड़ता है उतनी ही देर में बी कितने मीटर दौड़ता है, 80। क्या ये चीज हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस का दोनों का रेशियो आ गया, और मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आगे कवर करेंगे बट मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं अभी। ये हमें पता चल गया कि ए जितनी देर में 100 मीटर दौड़ेगा बी उतनी देर में 80 दौड़ेगा। सेकेंड चीज, इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/4 मैं बोल सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर लिया। सेकेंड चीज बोल रहा है कि बी सी को 20 मीटर से हराता है, यानी कि सेम चीज इस बार हो जाएगी, सेम चीज हो जाएगी बट यहाँ पे ए और बी की जगह बी और सी हम एज्यूम कर लें, बी और सी एज्यूम कर लें, तो सेम चीज है, बी जितनी देर में 100 दौड़ेगा सी उतनी देर में 80 दौड़ेगा, मगर यहाँ पे ए से कोई रिलेशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार बच्चे इसे 100, 80, 60 कर देते हैं, वो मतलब नहीं है क्वेश्चन का, क्योंकि फिर रेशियो हो जाएगा कि बी जितनी देर में 80 दौड़ेगा उतनी देर में सी 60 दौड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा, ये चीज आपको एज्यूम नहीं करनी है, हम लोग को शॉर्टकट इसमें नहीं लगाने हैं रेस के क्वेश्चन में, बी जितनी देर में 100 दौड़ेगा सी उतनी देर में 80 दौड़ेगा, तो यानी कि बी और सी का भी रेशियो मैं बोल सकता हूँ 5:4 हो गया, ए और बी का रेशियो 5:4।
अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो ए इज टू बी और बी इज टू सी अगर आपके पास है, ये दोनों पे कॉमन टर्म होना चाहिए, तो इस तरीके की मेथड यूज करके हम लोग ए इज टू बी इज टू सी निकालते हैं। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए, ए इज टू बी का रेशियो है, बी इज टू सी का रेशियो है। पहले हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 25, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 20, और फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे 16। ठीक है, अब आपके पास तीनों का रेशियो आ गया कि ए जितनी देर में 25 मीटर दौड़ेगा उतनी देर में बी 20 मीटर दौड़ेगा और उतनी देर में सी 16 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, तीनों एक रेशियो में आ गए आपके पास। और बात यहाँ पे किसकी है, 100 मीटर के रेस की है, तो इंटू 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मैं बोल सकता हूँ ए जब 100 मीटर दौड़ेगा उतनी देर में बी देखिए 80 मीटर दौड़ेगा, क्वेश्चन सेटिस्फाई होगी, और बी सी उतनी देर में 64 मीटर दौड़ेगा, यानी कि ये चीज ही आपसे पूछ रहा था। आंसर कितना आ जाएगा, 36 मीटर से ए सी को हरा देगा 100 मीटर की रेस। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत अलग टाइप के हैं, आपको ये ध्यान से देखने हैं। 9 क्वेश्चन मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं क्योंकि रेस इतने अच्छे से शायद ही आपको कोई समझा पाए। इस पे मैंने काफी प्रैक्टिस की है बार बार कि कैसे मैं बच्चों को अच्छी तरीके से समझा पाऊं, क्योंकि काफी ज्यादा गलत चीजें नेट पे इस समय चल रही हैं इन क्वेश्चंस को लेके। 1500 मीटर की रेस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका कोई फिक्स सॉल्यूशन किसी ने बताया नहीं है अच्छे से, बहुत कंफ्यूजिंग सॉल्यूशंस हैं। पी और क्यू, पी क्यू को 200 मीटर की स्टार्ट देता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि स्टार्ट दे रहा है पी क्यू को, यानी कि आपने देखा होगा कि इस तरीके से ओलंपिक्स होते हैं, अलग अलग ट्रैक्स पे अलग अलग रेसर्स खड़े होते हैं, और क्योंकि वो आगे जाके गोलाई में होते हैं इस वजह से कोई रेसर यहाँ खड़ा है, कोई रेसर यहाँ खड़ा है, कोई रेसर का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हो जाता है, यहाँ पे रेसर खड़ा हुआ है। और जैसे ही वो बंदूक दबाते हैं और वो दौड़ना एक साथ शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल तो बोल सकते हैं कि ओलंपिक्स में ऐसा नहीं होता कि कोई किसी को फ्री में स्टार्ट दे, पर यहाँ पे कंडीशन ऐसी दे देते हैं कि आप मान सकते हैं कि पी ने और क्यू ने, जैसे यहाँ दो लोग हैं तो मैं दो लोग का मान के चलता हूँ, ये पी है ये पीछे खड़ा हो गया, ये कहा मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ तो मैं तुम्हें एक बार चलो मौका देता हूँ, मजा आएगा, तो इसने 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया क्यू को। इसका स्टार्ट का मतलब यही होता है, बाकी सारी चीजें सेम है, यानी कि क्यू दौड़ना शुरू करेगा उसी टाइम पे, पी भी दौड़ना शुरू करेगा उसी टाइम पे। फर्क यह है कि क्यू को 1500 मीटर नहीं, अब केवल 1300 मीटर दौड़ने हैं और पी को अभी भी 1500 मीटर दौड़ने हैं। ठीक है, ठीक है। अल्टरनेटिवली इफ, अब ये दिया है कि अगर ऐसा होता है तो पी 8 सेकेंड से जीतता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर इस तरीके की कंडीशन हुई तो भी ये मान लेते हैं एंड पॉइंट है। ये फिनिश पॉइंट है और यहां पे अभी भी इस कंडीशन के बावजूद पी यहां पे 8 सेकेंड पहले क्यू से पहुंच जाता है, रेस कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अभी इसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए, क्वेश्चन समझते हैं। अल्टरनेटिवली अभी सेकेंड कंडीशन इसने दी कि अभी पी ने क्यू को 200 मीटर की जगह 400 मीटर की स्टार्ट दे दी, 400 मीटर की स्टार्ट दे दी और रेस जो है वो डेड हीट पे खत्म हुई, यानी कि दोनों ने बराबरी पे खत्म किया, यानी कि पी जितनी देर में 1500 मीटर दौड़ा उतनी ही देर में एग्जैक्टली क्यू ने 1100 मीटर दौड़ा। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या इनका आ गया, 15:11। और मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कि डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, अगर सारी कंडीशन सेम है तो स्पीड का रेशियो भी वही होगा। तो यहाँ पे क्योंकि टाइमिंग सेम है दोनों की, टाइम हम लोगों ने सेम माना हुआ है, तो हम मानेंगे कि स्पीड ऑफ पी अपॉन स्पीड ऑफ क्यू इज इक्वल टू 15:11। आई होप अभी आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई कि स्पीड ऑफ क्यू और पी हमने ये रेशियो कैसे निकाला क्वेश्चन की सारी कंडीशंस को यूज करते हुए।
और फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, अगर मैं टाइमिंग को कैलकुलेट करूं तो पी को कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन पी की स्पीड, क्योंकि पी रेस जीत रहा है तो इसे कम टाइम लगा, और क्यू को कितना टाइम लगेगा, उसका डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड। मैं फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं जहां पे 200 मीटर का उसने लीड दिया था। तो क्या यही इक्वेशन बनेगी, क्यू का टाइम माइनस पी का टाइम, क्यू ने 8 सेकेंड ज्यादा लिए पी से। और यहां से अगर मैं ये सारी चीजें, क्योंकि हम लोग को दी हैं तो एज्यूम नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे 15A और 11A रख लूँ, मैं बोल सकता हूँ 1300 अपॉन 11A माइनस 1500 अपॉन 15A इज इक्वल टू 8। ए को हम यहां से हटा के, दोनों बॉटम में ही हैं, तो क्या मैं यहां से हटा के यहां पे ले आता हूं, थोड़ा सा यहां पे आ जाएगा 100, और मैं बोल सकता हूं ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 1300 माइनस 1100 इज इक्वल टू 88A, 200 इज इक्वल टू 88A, 8 से जा रहा है, मैं बोल सकता हूँ 25 इज इक्वल टू 11A, ए की वैल्यू आ गई 25/11। यहां से मैं पी की स्पीड निकाल लूंगा और फिर हमें ये भी पता चल जाएगा इसे कितना टाइम लगा। पी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 15A थी, 15A थी पी की स्पीड, तो पी की स्पीड आ जाएगी 15 × 25/11, और डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 1500 डिस्टेंस दे रखा है, 15 स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमें टाइम मिल जाएगा। ये आ गया 100, ये आ गया 4, और ये 11 ऊपर चला जाएगा, 4 × 11। यहाँ मेरे पास जगह कम बची हुई है तो मैं इतना आपको नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैंने पूरे डिटेल में ये वाला क्वेश्चन कराया है। इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं, पर वो ट्रिक अनफॉर्चुनेटली आप यूज नहीं कर पाएंगे। मैं चाहूँ तो वो ट्रिक आपको बता सकता था, मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि उससे बहुत कन्फ्यूजन होगी, और आपको थोड़ा सा भी देखिए टीचर में फेथ होना चाहिए जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा फेथ है मेरी वीडियो में, मेरे सॉल्यूशंस में, तो मेरी कमिटमेंट में आपको सारी चीजें बताने में, तो ये चीज का पक्का तरीका रखिए कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक मेथड से इस तरीके से करना है। और क्योंकि अभी रेस के क्वेश्चन हम लोगों ने स्कूल में भी कभी सॉल्व नहीं किए, पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तब हमने देखे हैं रेस के क्वेश्चन, ये सब नए टर्म्स कैसे यूज होते हैं, तो इसलिए कठिन लग रहा है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, बेसिक चीजें हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, केवल वही फॉर्मूला हर जगह यूज हुआ है। तो मेरी बात मान के इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप बेसिक मीन से, और आराम से आपके क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे एग्जाम टाइम में। ठीक है, अभी 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं आप जल्दी जल्दी। अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, उसी तरीके का क्वेश्चन है। अनिल जो है बकुल को 150 मीटर से हरा था, यानी कि अनिल और बकुल का डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 1500 × -150, कर देंगे 1500 में 1350। जितनी देर में अनिल 1500 दौड़ेगा, बकुल उतनी देर में 1350 दौड़ेगा। बकुल और चार्ल्स का रेशियो हमें दिया हुआ है कि बकुल जितनी देर में 1500 दौड़ेगा उतनी देर में चार्ल्स कितना दौड़ेगा, 1425। 75 मैंने माइनस कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। पच्चीस से चला जाएगा, 3 × 57, 3 से भी चला जाएगा, 20:19, ये दोनों रेशियो हो गए। और अगेन हम यहाँ पे रेशियो के जो ट्रिक्स हैं उसको यूज करके तीनों का एक कॉमन रेशियो निकाल लेंगे इस तरीके से। ये ध्यान रखना कि आपका बी कॉमन टर्म दोनों इसी पोजीशन में रहना चाहिए। तीनों के डिस्टेंस का रेशियो आ गया। अब आपसे बोल रहा है अनिल कितनी चार्ल्स को कैसे बीट करेगा, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ मुझे 1500 लाना पड़ेगा, अनिल को तो 1500 दौड़ना है ना, तो इंटू यहाँ पे मुझे 7.5 करना पड़ेगा। या कभी आपको ना पता चले किससे इंटू करना है तो डायरेक्टली आप डिवाइड भी कर सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे भी मुझे 7.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चार्ल्स के रेशियो के साथ, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मुझे मिलेगा मेरा एक्चुअल आंसर। तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, या इन दोनों में फर्क हम देख सकते हैं, क्योंकि यहां से तो ये यह आएगा कि चार्ल्स कितना दौड़ेगा, कितना कवर करेगा, और फिर हमें माइनस करना पड़ेगा 1500 से, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। इन दोनों में डिफरेंस हम लोग ले सकते हैं क्या,
200 माइनस 171 कितना हो जाएगा, 29। 29 इंटू 7.5 अगर मैंने कर दिया तो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। 30 इंटू 5 150 होता है, तो 29 इंटू 5 145 हो जाएगा, 14 की कैरी। 30 इंटू 7 210 होता है, तो ये 203 और 14 217। मैं इसीलिए सब चीज वोकली बोलता भी जाता हूँ कैलकुलेशन करते टाइम, ताकि आपको कोई चीज समझ में आए। कैलकुलेशन में भी बहुत सारी ट्रिक्स छिपी होती हैं और कैसे उसे अप्लाई करना होता है किसी भी क्वेश्चन में, ये विद टाइम आता है। कोई आप सोचो कि कोई एक वीडियो हम देख लें और उस एक वीडियो से हमारी सारी कैलकुलेशन एकदम एक नंबर हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और जो टीचर ऐसा कह रहा है वो आपको गलत दिशा में लेके जा रहा है। वीडियो देखने से देखिए कुछ नहीं होगा, मेरी वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होगा, किसी की भी वीडियो देखने से आपको कोई ऐसा पर्सनल लाभ नहीं मिलेगा, केवल आपको गाइडेंस मिलेगी किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। एक जो आइडियल सॉल्यूशन होता है किसी भी क्वेश्चन का, किस तरीके से अप्रोच रखनी चाहिए, कहाँ गलतियां नहीं करनी है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन करना है किसी किसी क्वेश्चन में, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन की अलग अलग अप्रोच क्या हो सकती है, तो ये सारी टीचर्स आपको गाइडेंस देते हैं। बाकी इन पे वर्क करना, वर्कआउट करना, ये तो वही चीज हो गई ना कि आप जिम रोज चले जाएं, घर से उठ के आपने सोचा कि मैं रोज जिम जाऊंगा, आप रोज जिम जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, यहाँ पे जिम बना है, डंबल अम्बल रखे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप यहाँ पे एक कुर्सी लगाए, आप बैठ गए और आप सबको अभी देख रहे हैं जिम करते हुए, तो आपको नॉलेज तो सारी हो गई, आपको नॉलेज तो सारी हो गई, कौन कैसे उठा रहा है, कहाँ क्या गलती कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पर उसके बाद आपको अपनी बॉडी बनाने के लिए खुद यहाँ पे चेयर से उठ के, अपने बिस्तर से उठ के उस चीज को प्रैक्टिस, या उस चीज की आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा खुद से, ठीक है। हो सकता हो कुछ बच्चों को ना अच्छा लगे, पर क्या कर सकते हैं यार, अपना तो काम है सही चीज बताना। 1200 मीटर की जो रेस है, 1200 जो मीटर की रेस है, उसमें ए और बी अगर रेस लगाते हैं तो ए बी को 100 मीटर से हराता है। तो अगेन मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली, अब रेशियो आप आराम से बना लेंगे जल्दी जल्दी, 12:11, जितनी देर में ये 1200 दौड़ेगा ये 1100 दौड़ेगा। बी बीट्स बी इन अ 600 मीटर रेस, इस बार पैरामीटर बदल गए, ये ध्यान से देखिएगा। बी इज टू सी का रेशियो अगर हम बना रहे हैं तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 600:500, यानी कि 6:5। तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी सी का तीनों का रेशियो अगर हम बना लें एक बार के लिए, तो मैं ये बोल सकता हूं ये आ जाएगा 72, 66 और 55। यहां से हमको बोल रहा है कि बी जो है, ए जो है सी को 30 सेकेंड से हराता है 720 मीटर की रेस में, 30 सेकेंड से हराता है 720 मीटर की रेस में। तो ये बताइए सी की क्या स्पीड होगी। यहाँ पे बहुत जगह मैंने देखा इंटरनेट पे क्या करा दिया है आंसर, क्योंकि इससे आ रहा है तो उन्होंने बहुत जगह कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, मतलब 720 माइनस 550 किया, 75 माइनस 55, और यहां से आपका आंसर निकाल दिया, बेटा यही होगा आंसर, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपको कभी फिर इस तरीके का क्वेश्चन मिल गया और थोड़ी वैल्यूज चेंज हो गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वो सारी चीजें बताते चलूँ जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। यहां से देखिए आपको करना कैसे है, मैंने बोला था जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा है, तो मैं स्पीड का भी रेशियो यहाँ पे बना लेता हूँ। तो इस तरीके से मुझे बी से अभी कोई मतलब नहीं रह गया है, ए और सी से मतलब है। तो एस ए को क्या मैं 72x मान सकता हूँ और एस सी को 55x मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी गिवन है और डिस्टेंस भी डेफिनेट गिवन है, तो यहाँ पे आप खुद से एज्यूम नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स एक्स ले लिया है। दोनों की स्पीड में फर्क कितना है, 17x का। और यही चीज अगर मैं डिस्टेंस का रेशियो निकालूं तो मैं बोल सकता था अगर ए ने 720 मीटर की रेस खत्म कर दी तो सी उतने टाइम में कितना दौड़ेगा, इन दोनों रेशियो को लेके मैं निकाल सकता था, इंटू दस कर दूं तो सी उतने टाइम में 550 मीटर ही दौड़ेगा, 550 मीटर ही दौड़ेगा, ठीक है। तो यहां से देखिए ध्यान आपको क्या देना है कि 30 सेकंड का मतलब क्या हुआ, यानी कि ए जब पहुंचा और जब सी पहुंचा, दोनों के टाइम में 30 सेकंड का अंतर है,
दौड़ा दोनों ने ही 720 मीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दौड़ा दोनों ने ही 720 मीटर। ए जो है अगर टी टाइम में पहुंचा तो सी कितने टाइम में पहुंचा, टी प्लस 30 सेकेंड में। और मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इन दोनों का डिफरेंस मैं लूं 170 मीटर, क्या सी को जब ए अपनी बाउंड्री पे पहुंच गया यहां पे, तो सी यहां कहीं होगा 550 मीटर पे, उसे इतना डिस्टेंस दौड़ना बचा है 170 मीटर, और हमसे ये चीज तो पहले ही बता दी कि उसे ये डिस्टेंस कवर करने में 30 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे टाइम कितना हुआ है टी, और जब तक सी यहां पहुंचेगा टाइम कितना हो जाएगा, टी प्लस 30। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। अगर यहां से भी आप चीजें नहीं समझे, यहां से आप चीजें अगर नहीं समझे, यहां से आप चीजें नहीं समझे, तो हम ये बोल सकते हैं कि 720 अपॉन स्पीड ऑफ बी सी माइनस 720 अपॉन स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 30 सेकेंड, ये मैं बोल सकता हूं। मैंने दोनों के टाइम का फर्क निकाल लिया, यानी कि सी जितनी देर में 720 मीटर दौड़ेगा और ए जितनी दौड़ में दौड़ा होगा, उन दोनों में फर्क 30 सेकेंड का है। तो यहां से हम ये चीज रखेंगे, 720 अपॉन 55x माइनस 720 अपॉन 72 इज इक्वल टू 30। क्या यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन अभी हमने बहुत सारे किए हैं, यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकलेगी और वहां से डायरेक्टली सी की स्पीड निकलेगी और वहां से हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, अगर आपको ये समझ में आया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तो भी वेल एंड गुड है, या तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आई होप, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहता है खासकर अर्थमेटिक के चैप्टर्स में, कि जो बेसिक और ट्रिक्स के बीच में जो एक बैलेंस होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, एक अटेम्प्ट करते टाइम कैंडिडेट के लिए, वो बैलेंस मैं कैसे मेंटेन करवा पाऊँ। मैं चिल्ला चिल्ला के ये चीज़ बार बार बताता हूँ कि आपको बेसिक्स को नहीं छोड़ना है, बेसिक्स को आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप किसी ना किसी पेपर में प्री में या मेंस में अटक जाएंगे। तो इस बात को अगर आप ध्यान रखें तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी होगी और आपके लिए खुशनसीबी इसलिए होगी कि आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। ए जो है इसकी स्पीड दी है 16 मीटर प्रति सेकंड और इसने बी को 15 मीटर की हेड स्टार्ट दी थी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ बी आगे खड़ा था 15 मीटर, यहाँ पे बी खड़ा है ये मुस्कुरा रहा है और यहाँ पे ए खड़ा है, इसने कहा जाओ यार देखा जाएगा, और फिर भी ए ने इतना तेज दौड़ता था ये कि इसने 10 सेकेंड में इसको यहाँ पे 10 सेकेंड पहले ही पहुंच गया इसे। ये सारे टर्म्स आई होप अब आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो ए की स्पीड हमें डेफिनेट दी हुई है 16 मीटर प्रति घंटे सेकेंड की, तो मैं बोल सकता हूँ 400 मीटर ए को दौड़ना है तो ये कितने देर में दौड़ा होगा, 25 सेकेंड में। टाइम टेकन बाई ए 25 सेकेंड, और टाइम टेकन बाई बी क्या हो जाएगा, क्योंकि बी 10 सेकेंड बाद पहुंचा तो बी ने कितना टाइम लिया, 35 सेकेंड। और क्या यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ बी आप बता सकते हैं क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ बी क्या ये 400 आएगा या 400 में से 15 माइनस करेंगे 385 आएगा, है ना। डिस्टेंस तो बी ने 385 कवर किया, वो कितने टाइम में कवर किया, 35 सेकेंड में। यहाँ से स्पीड आ जाएगी 11 मीटर प्रति सेकेंड। इजी क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 57 है ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया, ये क्वेश्चन आपको नेट पे कहीं मिलेगा ही नहीं, किसी ने सॉल्व नहीं कराया, और मैंने ये नेट पे इसीलिए ढूंढा क्योंकि इसके ऑप्शंस इनकरेक्ट थे। इन द एंड मैंने ये निकाला कि ऑप्शंस इनकरेक्ट थे। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट हुआ था एग्ज़ाम में और क्या आपको इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिले थे या नहीं मिले थे, ये मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मेरा भी डाउट ये क्लियर हो सके। पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, और मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं आपको ये क्वेश्चन छुड़वा दूँ। तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा क्योंकि
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। देखिए जल्दी जल्दी करते हैं, मैं इसको मान लूंगा ए, इसको मान लेता हूं बी और इसको मान लेता हूं सी। ए बी और सी में बातें चल रही हैं, अगर 1000 मीटर की रेस है और ए ने बी को 100 मीटर से हराया है, तो यानी कि ए जितनी देर में 1000 दौड़ेगा उतनी देर में बी 900 दौड़ेगा, रेशियो 10:9 होगा। और सेम चीज बी और सी के बारे में लिखी है 10:9, ये रेशियो क्या, यहाँ से अब आप निकाल सकते हैं इजीली, ये बहुत सारे क्वेश्चन में हमने निकाल लिया, 100:90:81, डिस्टेंस और स्पीड दोनों का रेशियो ये हो जाएगा, बोल सकता हूँ ये चीज़ मैं। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि अभी ए ने बोला रेस में मज़ा नहीं आ रहा, ए ने बोला रेस में मज़ा नहीं आ रहा, भाई उसने बोला हर बार ऐसे तो मैं ही जीतूंगा, तो उसने क्या किया, देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बालाजी ने स्टार्ट यहाँ से हुआ है, बालाजी ने चरण को 100 मीटर दिए एक्स्ट्रा और अर्जुन ने बालाजी को दिए, तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि ए यहाँ पे खड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, बी 100 मीटर आगे खड़ा हुआ है और सी इससे भी 100 मीटर आगे खड़ा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ अभी, तो नई रेस में इसे 1000 दौड़ने हैं टोटल, इसे 900 दौड़ने हैं और इसे 800 मीटर दौड़ने हैं। ये चीज़ क्लियर हुई, अगर ये चीज़ क्लियर है तो बाकी सब चीज़ भाड़ में जाए, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि नई रेस में ए को 1000 दौड़ने, बी को 900 दौड़ने, सी को 800 दौड़ने हैं। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन तीनों में जो सबसे पहले रेस खत्म करता है और जो उस समय सेकंड नंबर पे होता है, देखिए तीन लोग होंगे रेस में, एक तो फर्स्ट आएगा, उससे पहले सेकंड होगा, उससे पहले थर्ड होगा, तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या दूरी थी जब फर्स्ट ने ये रेस खत्म की, ये आपसे पूछा जा रहा है। इतना क्वेश्चन अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया, सारी मीनिंग समझ में आई गई क्वेश्चन की, बाकी सब चीजें बेकार हैं, बाकी आपने इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से +2 नंबर अंक कर लिए हैं, ठीक है, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन में कैलकुलेशन गलत नहीं आएंगी, अगली बार सही तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको विनर दिख रहा है, ए जितनी देर में 1000 दौड़ेगा उतनी देर में बी 900 दौड़ेगा और उतनी देर में सी 810 दौड़ेगा, यानी कि ए और बी को जितना डिस्टेंस दौड़ना था उससे एक्सेस सी को 800 दौड़ना था, वो 810 दौड़ चुका होगा तब तक, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि सी तो फर्स्ट आ रहा है, ये चीज कंफर्म हो गई, सी फर्स्ट आ रहा है इस रेस में, ये चीज कंफर्म हो गई। इसमें कोई डाउट, सी फर्स्ट आ रहा है इस रेस में, क्योंकि वो 800 मीटर जब दौड़ा होगा, खत्म किया होगा, तो रेशियो के हिसाब से तब बी ने 900 से कुछ कम दौड़ा होगा और ए ने 1000 से कुछ कम दौड़ा होगा, ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि 800 मीटर सी ने दौड़ा और रेशियो के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ए इतनी देर में कितना दौड़ा होगा, 1000/810 करेंगे इनके रेशियो को, ऐसे कर देंगे, रेशियो के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 800 को, और बी कितना दौड़ा होगा, 900/800/810/900, ये चीज मैं बोल सकता हूं। यहां से देखिए कैलकुलेशन बहुत लंबी है, कैलकुलेशन लंबी है क्योंकि यहां पे थोड़ा बहुत आपको देखिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पे आपको वैल्यू आ रही है 8000/9, जो कि क्या आ जाएगा 888.8 ऐसा करके कुछ आ जाएगा, और यहां पे वैल्यू क्या आ रही है 80000/81, ठीक है, दोनों चीजें आ रही हैं। अगर मैं यहां से इसको कैलकुलेट भी कर लूं तो ये जाएगा 9 बार, ये तो डेफिनेट है 729, 710 बचा तो 8 टाइम्स जाएगा और 90 बज गया 710 और 8 हो जाएगा इसका 648, 662, 7 टाइम्स जाएगा। मोटा मोटी मैं मान लेता हूं कि ये 987 मीटर दौड़ चुका है ए, और बी 888 या 889 मान लेते हैं मीटर्स दौड़ चुका है। अब यहां से एक चीज ध्यान रखिए कि भाई बी को 100 मीटर की, बी को 100 मीटर की यहाँ पे इस हेड स्टार्ट भी मिली थी, तो इसने टोटल कितना दौड़ लिया होगा, 989 मीटर्स पे होगा, ये 987 मीटर्स पे होगा, ठीक है। तो ये इतना बारीक क्वेश्चन है, इतना बारीक क्वेश्चन है कि हर कोई इसको सॉल्व नहीं करा पाएगा,
अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो भी वेल एंड गुड है, अगर नहीं समझे तो बाकी 8 क्वेश्चन भी अगर आप इस वीडियो के समझ गए अच्छे से तो भी आपके लिए मैं 100% पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा है इस टाइप का, वैल्यूज अगर सिंपल होती तो आप थोड़ा और आसानी से समझ पाते। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सी जब रेस खत्म करता है तो बी इसके जस्ट पहले होगा, बी इसके जस्ट पहले होगा, और कितना मीटर का फर्क होगा इन दोनों के बीच में, 11 मीटर का फर्क होगा, 11 मीटर का फर्क होगा। ठीक है, ये चीज आपको बतानी थी इस क्वेश्चन में। 10 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा वैसे तो, या 11 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, पर इस तरीके से हम इसे बोल सकते थे। असली आंसर इसे 20 मीटर दिया हुआ है आंसर की में, तो मुझे ये जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन सही है या गलत। देखिए 1000 मीटर की रेस है, तो बी ने या तो 50 मीटर से हराया ए ने, या तो 5 सेकेंड से हराया, तो डायरेक्टली यहां से मैं बोल सकता हूँ बी की स्पीड क्या होगी, 50/5 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब आप कहेंगे ये डायरेक्टली कैसे निकाल दिया, देखिए ए ने 1000 मीटर कंप्लीट किए और बी ने उतनी देर में 950 मीटर कंप्लीट किए, तो बी ने आखिरी के जो 50 मीटर हैं वहीं उसका एक्स्ट्रा टाइम लगा और उसमें उसको 5 सेकेंड लगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से मेरी बी की स्पीड आ गई। ये चीज क्लियर है, और मैं यहां से रेशियो निकाल सकता हूं दोनों के डिस्टेंस का, जितनी देर में ये 1000 करेगा उतनी देर में बी 950 करेगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 20:19 दोनों के बीच का रेशियो आ गया, यानी कि मैं बोल सकता हूँ स्पीड का अभी रेशियो यही हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ SA:SB क्या आ गया, 20:19। दोनों में फर्क चाहिए हमें, तो 19 की वैल्यू कितनी है 10, 19 की वैल्यू कितनी है 10, और हमें चाहिए 1 की वैल्यू। ठीक है, 1 की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी डायरेक्टली 10/19। अगर ये लास्ट स्टेप आपको बार बार मैं इस तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ रेशियो को, अगर आपने रेशियो अच्छे से नहीं कैलकुलेट किया है, सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस उसके ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप खुद से प्रैक्टिस करके जिस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, ये 10/19 = 10 है तो 1 = 10/19 होगा, और यहाँ पे हमें 1 की वैल्यू चाहिए थी तो ये हो जाएगा, या कुछ और चाहिए होता तो 2 चाहिए होता तो (2) कर देते यहाँ पे। ठीक है, आपको जैसा भी चीज़ समझ में आए, ये सारी चीज़ें बड़ी माइन्यूट हैं, इस पर मैं बहुत ज़्यादा आपको अभी अप्रोच नहीं करूँगा क्योंकि अभी 3-4 महीने बचे हैं, पर मैं ये कहूँगा कि अगर आप अर्थमेटिक में सारे चैप्टर्स अच्छे से करना चाहते हैं तो पहले आपको रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ये तीनों चैप्टर्स करने ही करने पड़ेंगे, उसके बाद आप बाकी सारे चैप्टर्स कीजिए तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। परसेंटेज के मैं बहुत ही अच्छे से प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन बनाने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन बैंक की तरह आपकी हो जाएगी, जिसमें मैं क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज उसमें रहेंगे, ईयर्स 2017-18 से लेके अभी तक के जितने क्वेश्चंस बने हैं, यानी कि जब से TCS पेपर करा रही है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस मैंने वीडियोज डाले भी हुए हैं, पता नहीं क्यों उस पे बच्चे इतना नहीं देख पाते उसे, पर वो वीडियोस आपके लिए आज के टाइम पे जिस तरीके से मैथ्स का वेटेज हो गया है और जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अलावा आपको कुछ करने की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा टाइम आपको GS और इंग्लिश में देना चाहिए, या रीजनिंग भी ले लूँ जिनकी वीक है, वो टाइम आप यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं अगर आप एक चैप्टर को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो। ठीक है, बहुत टीचर्स बोलेंगे मैथ्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये है वो है ये है वो है, पर मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, पर मैं एक तरीके से आपका एक गाइड हूँ, एक टीचर भी हूँ, तो मैं मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको मैं गलत नॉलेज नहीं प्रोवाइड करूँगा किसी भी केस में, मैं कोई भी बात आपसे शेयर करता हूँ तो मैं यही मान के चलता हूँ कि यार मेरा एग्ज़ाम अगर होता तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता अपने टीचर से कि वो मुझे सही नॉलेज दे, तो वो चीज़ मैं एज्यूम करके आपको देने की कोशिश करता हूँ। 4 लोग हैं एक टीम में, हर मेंबर ने 5 किलोमीटर कवर किया, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की, वन आफ्टर अनदर, यानी कि ए बी सी डी 4 लोग हैं, तो ए ने जब पूरी रेस कंप्लीट कर ली यहां तक, तब बी ने शुरू किया, उससे पीछे सी था, उससे पीछे डी था, यानी कि एक के बाद एक ये करने हैं, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, मैं बोल सकता हूँ भाई 5 किलोमीटर इसने दौड़े, फिर 5 दौड़े, फिर 5 दौड़े, क्योंकि टाइम तो ऐसे ही चल रहा है ना, एक साथ तो ये दौड़ ही नहीं रहे, एक के खत्म करने के बाद दौड़ रहे हैं, तो मैं टोटल डिस्टेंस को यहाँ पे 20 किलोमीटर ले लूंगा और टोटल टाइम हो जाएगा आपको ऑलरेडी दिया हुआ 30 मिनट, यानी कि हाफ यहाँ को ऊपर लाएंगे, यानी कि स्पीड आपकी एवरेज कितनी आ गई 20 40 किलोमीटर प्रति घंटे की।
अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आया, ये चीज नहीं समझ में आया तो मैंने एवरेज स्पीड के 10-12 क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं, करीब स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13-14 से इसी वीडियो की। तो एक बार आप एवरेज स्पीड के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, तो ये देख लेते हैं एक बार, फिर मैं थोड़ी सी बातें करता हूँ। 500 मीटर की रेस है, ए ने बी को 50 मीटर से हराया और 600 मीटर की रेस में बी ने सी को 60 मीटर से हराया। अगेन रेशियो देखिए क्या हो जाएगा, 500 × 450 यानी कि 10:9 ए और बी का रेशियो बनेगा, और 600 मीटर है तो 600 और 540 रेशियो बनेगा बी और सी का, अगेन 10:9 रेशियो हो जाएगा। और अगर इस तरीके से हम ए बी सी का रेशियो निकाल लें डिस्टेंस का, ये रेशियो आ गया। यहाँ से ए और सी के बारे में कंपैरिजन पूछ रहा है कि भाई 400 मीटर की अगर रेस है तो यहाँ से इंटू चार कर दें, 400 मीटर की रेस में ए ऑब्वियस है फर्स्ट आएगा, तो सी उतने टाइम में कितना दौड़ेगा, 324, और दोनों का डिफरेंस अगर हम ले लें तो 76 मीटर से सी उससे हार जाएगा। ईजी सा क्वेश्चन था, बाकी सारे क्वेश्चन जो हमने किए वो इससे थोड़े टिपिकल थे। तो मैं एज्यूम करूँगा इतने 60 क्वेश्चन कराने के बाद जो स्पीड टाइम और डिस्टेंस चैप्टर है इसका एटलीस्ट 90% जो चैप्टर है, जो आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 90% जो चैप्टर है वो आपका कवर हो जाएगा इन 60 क्वेश्चंस में। क्योंकि जितनी भी ट्रिक्स हैं, जितने बेसिक फॉर्मूलेज यूज होते हैं, कुछ एक आध को छोड़ के आपके इन 60 क्वेश्चन में तैयार हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट। और आज के टाइम पे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था 3 महीने बचे हैं, तो मैं 90 दिनों का आपका शेड्यूल बनवाने की कोशिश करूंगा, 90 दिनों का शेड्यूल बनवाने की कोशिश करूंगा। और किस तरीके से नए पैटर्न में आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, मैथ्स को कैसे अप्रोच करना है आपको, ठीक है। मैथ्स मैं बोलना पसंद नहीं करता क्योंकि अब यूट्यूब पे सर्च ही मैथ्स नाम से करते हैं सब, MATHS, जो कि इट इज नॉट एनी वर्ड, या तो आप बोलेंगे मैथमेटिक्स या तो आप बोलेंगे मैथ, या तो आप बोल सकते हैं क्वांट्स, या तो आप बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पर मैथ्स सबसे गलत वर्ड है इस पूरी संसार का, जिसको सब बड़े कैजुअली यूज करते हैं और आगे भी करते चलेंगे। तो मैथमेटिक्स का मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टाइम में। आई होप आपको वीडियो में कुछ हेल्प हुई हो आपके चैप्टर से रिलेटेड, और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट।